जी सुमान, बस टाइम हो गया, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। अब 10 मिनट ही वेट किया करेंगे। माशाल्लाह, उमर बिन खालिद कह रहे हैं कि मेरा 7 ऑर्डर आज तक हो चुके हैं मेरे, और लैपटॉप मेरा इशू है, फिर से अब तक लिंक अपडेट नहीं किया। उमर, वो लाजमी करें ठीक करके उसको, और ये शीट वैसे मोबाइल से भी एक्सेस हो जाएगी, तो वो लाजमी ऐड करो। और दूसरा, मुझे डिटेल्स बताओ कि क्या किया आपने, और अभी किए हैं या पहले से ही स्टार्ट कर चुके थे, वो थोड़ा सा बताएं। जी उमर, मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें अमेज़ॉन और ईबे वगैरह इनको भी इंक्लूड करने की ट्राई कर रहे हैं, सर कर रहे हो। तो अब अपडेट और बेटर से बेटर कोर्स ट्रैक बनाने के लिए कोशिश तो जारी रहती है, तो वो कोशिश हो रही है। पहला इस ट्राइंग टू अपडेट माई स्किल्स इन 5 एडिटर्स ऑफ अपडेटिंग, होना नहीं चाहिए आयशा, हो जाती हैं। क्या इशू आ रहा है? अगर कभी ऐसा इशू आए, सेव ना हो रही हो, कुछ तरह का प्रॉब्लम, तो ब्राउज़र चेंज करके देख लिया करें। फाइबर लाजमी करो, फाइबर लिंक, अब अभी तक भी लिंक नहीं बना स्टार्ट से लेके हमें, तो बहुत इनिशियल डेज की बात है, ये अकाउंट तक नहीं बना अभी तक आप लोगों से। अनीसुर रहमान, सर मेरा एक फाइबर पर एक डायरेक्ट क्लाइंट से ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी, कंग्रेचुलेशंस, अल्लाह ब्लेस यू विद मोर। अनीस और बाकी सब लोग काइंडली, यार मैंने आप खुशी होना है अगर आप मुझे ये बताओगे, तो मुझे बताया करो, मुझे डिस्कस किया, मुझे शेयर किया करो। आप जब भी सक्सेस होती है, कोई सक्सेस स्टोरी बनती है, तो मुझे कम से कम इनबॉक्स करके बताया करें कि मैंने ये अचीव किया है, मुझे ये कुछ मिला है, ये था ये नहीं था, तो इस तरह की कोई भी बात है मुझे बताओ, तो मेरे से शेयर तो किया करें ताकि मुझे पता चले, और साथ ग्रुप के अंदर शेयर करो पॉसिबल है तो, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन आए। ये छोटी छोटी खुशियां, ये ज्यादा हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं जब आप इसका शेयरिंग करोगे अच्छी नीयत के साथ, कोई नजर नहीं लगती, कुछ नहीं होता। तहरीम वफा ने 5 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं फाइबर, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखो मुझे बता दिया करो, मुझे शेयर भी किया करो मेरे साथ, क्या छुपा छुपा के रखा हुआ है। वीडियो स्टक है। आशिर, आई एम वर्किंग ऑन अमेजन होलसेल US मार्केट। माशाल्लाह आशिर, ये सब लोग जो यहाँ बता रहे हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है। साथ साथ मुझे थोड़ा सा डिटेल के अंदर मुझे बताएं, जरा इनबॉक्स करके बताएं क्या किस कर रहे हैं, क्या किस नहीं कर रहे। मजीद दुआएं मिलेंगी, इंशाल्लाह इम्प्रूव भी होगा, नीचे नहीं आता कोई काम भी, तो मेरे से शेयर करें। मुझे, मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताया था कि मुझे बताया करें, बताया करें, बताया करें। चलिए, मैं अब स्क्रीन करने लगा हूँ शेयर, लेट्स स्टार्ट। 2-3 मिनट ऊपर हो गए हैं, 10 मिनट वेट करना था। 100 लोग अभी तक आए हैं, बाकी लोग बाद में आएंगे, आधी बात शायद समझ आए, आधी बात समझ ना आए, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स बनती हैं। टाइम से आ जाया करो, टाइम से आ जाया करो, इतनी बार बोला है आप लोगों को, मैं आ जाता हूँ तो आप भी आ जाया करें। जी, वेबसाइट कैसे बनने की बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा। लेकिन मेरे टैग्स क्राइटेरिया क्या है, मैंने मेरी वीडियो देख लें सिद्रा, मैंने टैग्स का क्या क्राइटेरिया है, क्या यूज करने चाहिए, सब बताया हुआ उसके अंदर। उमर, मुझसे आप मैसेज करके पूछ लेना, मैं वो गाइड कर दूंगा। इजी वे होगा, विदाउट एनी कोडिंग इंशाल्लाह ताला पूरी वेबसाइट बनाना बताऊंगा मैं आपको। यू टू टेस्ट स्केड्यूल इन प्रोडक्ट हंटिंग एज दिस इज पर्सनल अकाउंट, इट्स माय सेकंड कंसेक्यूटिव लेक्चर। मैसेज किया है आपको,
आई विल मेक श्योर टू अटेंड क्लास फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। प्लीज यार लाजमी लाजमी करें, जो पहले वाले उनको कवर करने की ट्राई करें। चलें आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने छोड़ा था, हम लोग ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे थे। मैंने आपको एक स्टोर भी उस पर निकाल के दिखाया, उसकी प्रोडक्ट्स, उसका उसका प्रॉफिट मार्जिन। और जिन लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन था कि वो जो स्टोर मेरे से जो बंदा बाय कर रहा है वो कम प्राइस में, वो उस पर्सन से बाय क्यों नहीं करता जिसके जिसकी मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, जो असल सेलर है वो सस्ता दे रहा है, वो कम पैसों में दे रहा है। तो हमने बोला, हमने वो डिस्कस किया कि उसको शायद पता नहीं है, उसको पता नहीं है, वो सर्च नहीं कर रहा। उसे मार्केटिंग हमने अच्छी की, हमने उस प्रोडक्ट उसके सामने ले आए, उसको अच्छी लगी, उसने बाय कर लिया, वो नहीं ला पा रहा। तो मार्केटिंग उसके अंदर बड़ा रोल था। फिर प्राइसिंग की, वो जब उसे पता चलेगा हम डबल प्राइस में कर रहे हैं तो वो डबल कर देगा प्राइस। वॉइस स्लो है ना यार? आज तो मैं अपने वापस उसी लोकेशन पे हूँ जिसमें मैं डेली क्लास लेता हूँ, हैंड भी नहीं लगाई हुई, कुछ नहीं किया हुआ। अपने एंड से भी देख लिया करें कि आपके सिस्टम का वॉल्यूम या किस तरह की चीज़ उधर से स्लो ना हो। तो मैं तो अभी फुल फुल बटा फुल वॉइस है, सब कुछ फुल है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है कम। बगल में थोड़ा और करीब हो जाता हूँ। ओके हम लोगों ने देखा कि वो प्राइस डबल कर देगा। जी क्यों डबल कर देगा, उसके बारे में बात की। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हम किस अमाउंट में सेल कर रहे हैं। दूसरा ये कि वो जो जिस प्राइस के अंदर वो चीज़ सेल कर रहा है, उस शहबाज ज़्यादा वॉइस लो होती है। शहबाज आपकी डिवाइस के अंदर इशू है, मेरी वॉइस इससे ज़्यादा, तो मुझे फिर माइक लगाना पड़ेगा साथ, देरी होगी। ठीक है, तो मेरे एंड से ये फुल फुल वॉल्यूम है और मैं बोल भी जो है ना बस आपसे ही ऊंचा ही बोल रहा हूँ। कोई इसमें मैं कोई कोई स्लो नहीं बोल रहा, कल बोल रहा था स्लो, आज नहीं बोल रहा, ना पहले बोलता था। तो देखिए अपनी डिवाइस में देखें, हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि आपको समटाइम होता है कुछ डिवाइस का जो होता है ना वो कम होती है वॉइस। माइक लगा लें सर, ये जरूरत नहीं पड़ती है। मैक का वैसे भी बड़ा जबरदस्त इनका है, जो माइक है इसका इंटरनल माइक, बड़ी स्मूथ और बड़ी अच्छी वॉइस इसकी होती है, तो मुझे जरूरत पड़ी नहीं कभी, जरा लगा के भी देख लेंगे। अच्छा चलें, तो फिर मैंने बात की कि वो जो पर्सन है जो ऑलरेडी सेल कर रहा है जी, वो डबल कर देगा जी, सी एन ए सी से हो रही है। तो वो डबल क्यों कर देगा? मैंने कहा वो डबल इसलिए नहीं करेगा, एक तो उसको ये नहीं पता कि मैं किस प्राइस पे सेल कर रहा हूँ, दूसरी बात ये कि वो जिस प्राइस के अंदर पहले से सेल कर रहा है उस प्राइस के अंदर उसका प्रॉफिट मार्जिन है पहले से ही, तो उसको कोई टेंशन नहीं है। बल्कि मैं उसका फ्री का मार्केटर आ गया हूँ, उसकी तो मुझे लग गई है कि कोई बंदा उसके बिहाफ पे उसकी चीज़ें बेचना शुरू कर रहा है, तो उसकी तो बैठे बैठाए मुझे लग गई कि उसके उसकी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज हो रही है, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन उसको मिल रहा है। ये हमने बात की। फिर डिलीवरी टाइम का इशू था कि डिलीवरी टाइम अली एक्सप्रेस का डिलीवरी टाइम होता है ज़्यादा, तो मैंने उसकी बात की एक्सप्रेस के साथ आप लोग ईबे और अमेजोन, अमेजोन नहीं सॉरी इट्सी, इट्से, ये दो साइट्स की मैंने बात की। और भी हो सकती हैं अली एक्सप्रेस के अलावा, चाइना के अंदर बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं जो यूज की जा सकती हैं। अली बाबा है बट वो जरा होलसेल में चला जाता है काम, तो थोड़ी सी बल्क बाइंग या उस साइड पे जाना हो तो फिर अली बाबा हो सकता है। हम लोग ने ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग मैंने बात की आपको कि अली एक्सप्रेस जो है वो बेस्ट है, इकोनॉमिकल है, प्राइस बहुत रिजनेबल है, बट डिलीवरी टाइम थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 2 to 4 weeks का टाइम हमें देना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को। और जो ईबे एंड इट्सी है उसके ऊपर क्या है कि वो क्योंकि इनकी सोर्सिंग यूएसए में भी है, इनकी सोर्सिंग यूके में भी है, तो जिस एरिया में आप सेल करना चाहते हो वहीं से आपको सोर्सिंग मिल सकती है, कि वहीं से शिपमेंट हो रही है, तो शिपिंग जो है वो काफ़ी स्पीडी होती है, जल्दी प्रोडक्ट पहुंच जाती है, बट कंपैरेटिवली प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। अब बात ये हो रही थी कि ये तो पेपाल यूज करते हैं, तो हम लोग इस पे कैसे आएंगे और इस तरह से चीजें। इसी तरह हर हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जो अलीबाबा है वहां पे हर एक की एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हर एक पर्सन की अलग होती है, जो मिनिमम से मिनिमम वो प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो वो ये होता है कि जितनी कम मंगवाएंगे उतनी शिपिंग भी उसकी ज्यादा होगी, और इस तरह की चीजें हैं, तो बहरहाल उसको भी टेस्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अच्छा तो अब यहाँ पे एक बात हो रही थी कि अली एक्सप्रेस है, इट्सी है, ईबे है। ईबे इट्सी के ऊपर जो है ना मेन जो है ना क्वेश्चन माइंड में रेज होता है कि पाकिस्तान में पेपॉल नहीं है, ये लोग कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे।
तो मैंने बोला था कि हम लोग इनके ऊपर एज कस्टमर जो है वो अकाउंट्स बनाएंगे, एज कस्टमर ही हम लोग इनके ऊपर ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। तो एज कस्टमर जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो एज कस्टमर में आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके थ्रू पेमेंट हमारी हो जाती है। तो हम लोग किसी की प्रोडक्ट को सेल करेंगे, जब वो प्रोडक्ट सेल होगी अमाउंट पहले हमारे पास आएगी, हम उसी में से कुछ पैसे उठाएंगे और यहाँ पे आके ऑर्डर प्लेस करेंगे। जहाँ पे कस्टमर एड्रेस होता है, कस्टमर एड्रेस की जगह पे मैं अपना एड्रेस नहीं दूंगा, मैं अपने कस्टमर का एड्रेस दूंगा, ठीक है, तो वो उसको डिलीवर कर दें। उसके बाद हमने बात की कि लोगो पार्सल के ऊपर पार्सल कस्टमाइज करवाना हो तो उसका उसके लिए क्या करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि वो अली एक्सप्रेस हो, वो ईबे हो, वो इट्सी हो, इन सब के ऊपर जो है वो सेलर्स हैं, सेलर्स के स्टोर्स हैं। उस्मान, मैं एंड पे क्वेश्चन लेता हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको रिप्लाई करता हूँ। तो इन सब के ऊपर स्टोर्स बने हुए हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट है वो किसी न किसी स्टोर की तरफ से सेल की जा रही है। हम लोग स्टोर ऑनर के साथ कांटेक्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, उसको बताएंगे भाई कि वी आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग फॉर यू, वी वांट टू सेल योर प्रोडक्ट्स, सो इफ यू कैन कस्टमाइज योर पार्सल फॉर अस, इफ यू कैन जस्ट पुट आवर लोगो ऑन योर पार्सल, कोई इस तरह की बात जो भी आप करवाना चाहते हो उससे, तो इफ यू कैन डू दैट दैट वुड बी ग्रेट, एंड वी कमिट रेगुलर रेगुलर सेल्स और गुड अमाउंट ऑफ सेल्स इन रिटर्न, कुछ इस तरह की बात आप उससे बात कर सकते हैं। तो होगा क्या कि उनमें से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे, क्यों, उनको क्या जाता है, वो एक जो पार्सल उनके बन रहे हैं उन्हीं पार्सल के ऊपर एक लोगो साथ प्रिंट करा देंगे और वो साथ आपका भेजते रहेंगे। तो होगा क्या कि वो फिर प्रोडक्ट आपकी तरफ से जाएगी, तो सोर्सिंग आपकी कहीं से भी हो रही है लेकिन आपके ऊपर लोगो लगा हुआ है, तो जो जिसको जा रही है वो ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो हम लोग इस तरह से चलेंगे फिर। तो ये हमने ड्रॉप शिपिंग की बात की, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग क्यों मैंने बात की, ड्रॉप शिपिंग की बात इसलिए की क्योंकि उसके अंदर आपके पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट आपको बाय नहीं करना पड़ता। सबसे ज्यादा इसके अंदर जो एक प्रोज प्रोज की बात करूँ ना कि प्रोज और कॉन्स होती हैं, तो प्रोज में सबसे बड़ी प्रोज जो है वो ये है, वन ऑफ द प्रो जो है वो ये है कि इसके अंदर प्रोडक्ट के ऊपर आपकी स्पेंडिंग नहीं होती, प्रोडक्ट के ऊपर आपका 1 रुपया नहीं लगा होता, ठीक है। तो प्रोडक्ट उठाई, वेबसाइट बनाना खुद आती है तो वेबसाइट पे लिस्ट की, मार्केटिंग करना खुद आती है तो मार्केटिंग की, हाँ मार्केटिंग पे पैसे लगेंगे, जो पैसे आपके इन्वॉल्व होने हैं इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग में है, वो भी पेड मार्केटिंग पे आप अगर जाते हो तो उसमें आपको मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए। उसके अलावा आपको इस कोर्स ट्रैक के अंदर ए टू जी प्रोडक्ट हंट करना, सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग, फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, उसकी मार्केटिंग, उसकी फिर फुलफिलमेंट, सब कुछ हम लोग करेंगे। तो इसके अंदर सबसे जो मतलब जो एक एक पार्ट है जहाँ के ऊपर आप जहाँ पे आपके पैसे लग सकते हैं और वो पेड मार्केटिंग पे आप जब जाओगे वो है आपकी मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग अगर फेसबुक एड्स के थ्रू मार्केट करते हैं, हम इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग करते हैं तो हमारे पैसे लगेंगे। बट वो भी मजे की बात ये है कि स्टार्टिंग में अगर आपका नया अकाउंट है तो पैसे लगेंगे फौरन, मतलब स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल आपने $5 स्पेंड किया, 25 किया, 50 किया, 100 किया, आपको फेसबुक चार्ज करता जाएगा। लेकिन साथ साथ फेसबुक का होता है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड क्या होता है कि अगर आप सक्सेसफुल पेमेंट्स फेसबुक को करते जाओगे तो फेसबुक के एक रूल है कि वो आपकी जो स्पेंडिंग लिमिट है ना उसको ज्यादा करता जाता है। ज्यादा कैसे कि एक टाइम आएगा कि फेसबुक से स्टार्ट में फेसबुक ने आपको $5 पे चार्ज किया, आपके पैसे पे हो गए, फेसबुक ने कहा कि ठीक है कार्ड ट्रस्टेड है, बंदा ट्रस्टेड है, लेट्स चार्ज नेक्स्ट पेमेंट व्हेन यू स्पेंड $25, आप $25 स्पेंड करो तो फिर हम चार्ज करेंगे आपका अकाउंट, तो पहले आप स्पेंड करो $25 फिर हम आपको चार्ज करेंगे। तो हमने स्पेंड किए, उन्होंने चार्ज किया, वो भी सक्सेसफुल हो गया, फेसबुक कहता है ओके चलो अब नेक्स्ट टाइम हम आपको चार्ज करेंगे जब आप $50 स्पेंड करोगे, तो $50 स्पेंड किए फिर वो चार्ज करेंगे, वो भी सक्सेसफुल हो गया, फेसबुक कहता है ओके लेट्स डू इट ऑन $100, $100 स्पेंड करो पहले फिर हम आप उसका चार्ज करेंगे। फिर इस तरह करते 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 फेसबुक आपको लाइक $500, $750, इस तरह $1000 यहाँ तक लिमिट ले दे देगा, लाइक $750 उन्होंने अगर आपको लिमिट दे दी, कि $750 का मतलब है कि आपकी जितनी भी पहले पेमेंट्स होती रही, सक्सेसफुल होती रही, फेसबुक का ट्रस्ट बिल्ड हो गया आप पे, अब फेसबुक आपको कहता है कि $750 पहले स्पेंड करो फिर हम आपको कार्ड आपके कार्ड को चार्ज करेंगे। ये और ये दो कंडीशंस होती हैं,
एक मंथ का टाइम है, फर्स्ट से लेके लास्ट 30th का मंथ है, 31st का है, फेब है 28 या 9 का। तो वो कहते हैं कि आपको जो हमने थ्रेश होल्ड दे दी ना, थ्रेश होल्ड ये लिमिट है कि फॉर एग्जाम्पल $750 की लिमिट दे दी है फेसबुक ने। फेसबुक कहता है $750 तुम लगाओ और हम फिर आपके कार्ड को चार्ज करेंगे, आपका पेमेंट मेथड तब चार्ज होगा। तो पहले हम स्पेंड कर रहे हैं, बाद में पे कर रहे हैं, ओके हो गया। या ये स्पेंड कर लो 750, बेशक 2 दिन में कर लो, हम आपको चार्ज करेंगे, या मंथ के लास्ट में। और अभी मैंने आपको दिखाना भी है सीधा वहां पे, ये तो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि वो जो मार्केटिंग के पैसे लगाने वाली बात आई है ना माइंड में, क्योंकि मैंने कहा जी किसी प्रोसेस में पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन मार्केटिंग पे आगे लगेंगे। तो मार्केटिंग पे जो पैसे लगेंगे, देखें फेसबुक पे अगर ऐड चलाओगे तो पैसे देने पड़ते हैं, फेसबुक पे ऐड फ्री में नहीं चलते। टीवी पे कमर्शियल चलवाते हो, जो जो लोग चलवाते हैं कमर्शियल वो सेकंड्स के हिसाब से पे कर रहे होते हैं। बता रहा हूँ लिमिट को, ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग लो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। असल में आपको मैं रिलैक्स करना चाह रहा हूँ कि मार्केटिंग की जब बात आएगी उसको पैसे लगने हैं, तो वो भी हम लोग थोड़े से टाइम के साथ साथ हम लोग बड़ा इजी हो जाएंगे उसके अंदर। हम लोग जो कमा रहे होंगे कमाए हुए पैसों में से उनको पे कर देंगे, तो वो भी एक बड़ी मजे की चीज हो जाएगी। तो मैं अब आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप रिलैक्स हो जाओ कि मार्केटिंग पे पैसे लगने हैं तो आपको जी वो है ही नहीं, क्या लगाने हैं उस पर, छोड़ो बात तो वही आगे पैसे लगने हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना चाह रहा हूँ। फेसबुक के ऊपर जब आप ऐड चलाते हो, फेसबुक से फेसबुक इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल दोनों चला रहे हो, फेसबुक पे आपको कार्ड अटैच करना पड़ेगा, आपको पेमेंट मेथड अटैच करना पड़ेगा। फेसबुक आपसे पैसे चार्ज करता है ऐड चलाने के, जैसे टीवी पे कमर्शियल चलानी हो तो उसके पैसे चार्ज होते हैं। यहाँ पे आप बाहर चले जाओ, बिल बोर्ड हैं, आजकल मीडिया पैनल पैनल्स के ऊपर की जो LCDs वगैरह लगी होती हैं, इसके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट हो रही है उसके पैसे हैं। तो मार्केटिंग कुछ भी करो, हर चीज के पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जब फेसबुक बात आती है ना, तो फेसबुक का अर्निंग सोर्स क्या है? फेसबुक का मेन अर्निंग सोर्स ही एड्स है, ट्रैफिक उनके पास है। वो लोगों कहते हैं लाओ हमें पे करो, हम आपको आपके ऐड को ज्यादा अच्छा दिखाते हैं। जी बिल्कुल हारून, ऐसे ही होगा। कैंपेन चलाएंगे तो प्रोडक्ट आपके ऐड नजर आती रहेगी, कैंपेन बंद करोगे आपका ऐड नजर नहीं आएगा। पेड मार्केटिंग ये होती है, जब तक पे करते रहोगे आएगा, तो हम डिफरेंस उसका फिर कैलकुलेट करते हैं। बहरहाल अभी एक पॉइंट समझो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फेसबुक पे जब ऐड चलाओगे या इंस्टाग्राम पे चलाओगे तो हमें पे करना पड़ेगा, हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो हमें अपना पेमेंट मेथड एक अटैच करना पड़ता है फेसबुक ऐड अकाउंट के साथ। अब वो पेमेंट मेथड क्या होता है? आपको अपना मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपको अपना कार्ड अटैच करना पड़ेगा। उस कार्ड के अंदर पैसे होने चाहिए। क्रेडिट कार्ड है तो फिर पैसे नहीं भी होंगे क्योंकि आपकी क्रेडिट की लिमिट होगी बैंक की तरफ से। और अगर डेबिट है तो उसके अंदर पैसे होने चाहिए। आपने अटैच कर दिया, फेसबुक ने कंफर्मेशन कर दी कार्ड ओके है। अब आप ऐड चला रहे हो, फर्स्ट टाइम जब आप ऐड चलाते हो ना फेसबुक के लिए, आप नए हो, आप $5 स्पेंड करते हो, $5 आप लगा देते हो, फेसबुक आपको फौरी तौर पे आपके कार्ड में से $5 काटेगा। पांच लगने के बाद, 25 लगने के बाद, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल $25 लगा, पांच लगाए फेसबुक ने, पांच काट ली, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। फेसबुक ने कहा जी बंदा ट्रस्टेड है, ठीक है, कार्ड काम किया है। फेसबुक कहता है अच्छा अब तुम 25 पहले स्पेंड करो, फिर हम काटेंगे। हम लोग $25 पहले लगाएंगे, फिर फेसबुक काटेगा। 25 काटा, 25 काटे, उन्होंने कहा जी और ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि ये बंदा ठीक है, इसका कार्ड काम कर रहा है और हमारी पेमेंट जब भी हम लोग चार्ज करते हैं तो हमें मिल जाती है। फेसबुक कहता है अच्छा $100 लगाओ, $100 की हम आपको लिमिट देते हैं। ये जो लिमिट बढ़ रही है ना, इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। तो लिमिट देता है फेसबुक, कहता है अच्छा अब तुम इस तरह करो कि $100 आप स्पेंड करो अपने अकाउंट पे, हम आपको फिर चार्ज करेंगे। तो हम लोग $100 स्पेंड करते हैं, हम एक दिन में कर लें, हम 10 दिन में कर लें, हम 15 दिन में कर लें। जब हमने $100 स्पेंड किया, फेसबुक हमारे कार्ड में $100 चार्ज कर देगा। वो ये कहाँ से पेंसिल आ रही है, बहुत अच्छा। तो फिर फेसबुक हमें पे करना पड़ेगा। जब $100 भी हमने पे कर दिया, फेसबुक कहता है अच्छा अब $250, आप $250 पहले लगाओ, फिर हम आपको चार्ज करेंगे। एक दिन में लगा लो या 30 दिन में लगा लो, ठीक है। उसके बाद वो भी सक्सेसफुल हो गया तो फेसबुक कहता है $500 की लिमिट, $500 की लिमिट है आपके पास जी एड्स के लिए। जो हम एड चला रहे होते हैं उसमें चार्ज हो रहा होता है, क्लिक्स का, इंप्रेशंस का, वो जिस तरह भी इनका चार्जिंग मेथड जो भी होगा, तो वो हम जब चार्ज हमें वो उसके लिए हम हमें पे करना है ना उसको, तो वो उसके हिसाब से पेमेंट चार्ज करता है। लेकिन अब हमें फायदा क्या दे रहा है वो,
कि अच्छा अब आपकी लिमिट $250 की पेमेंट भी अच्छी हो गई, वो कहता है $500 की लिमिट है आपके पास, $500 लगाओ, अब जब लगा लोगे तब हम चार्ज करेंगे आपको। $500 चार्ज करते हैं, फिर हमें वो कहता है अच्छा अब आपकी लिमिट है $750 की, $750 आप लगा लो फिर हम आपको चार्ज करेंगे। अब एक कंडीशन और फेसबुक यहाँ रखता है कि अब हो सकता है $750 किसी के लगे ही ना पूरे मंथ में, तो फेसबुक कहता है कि $750 की लिमिट है ना आपके पास, तो 30 days का टाइम है, पूरे मंथ का टाइम है आपके पास। अब ये बता रहा हूं महीन, 500 से कम लगेंगे तो क्या करेगा। अब $500 की लिमिट है तो हो सकता है $500 आपके पूरे मंथ में ना लगे, फिर क्या होगा, आपके मंथ में लगे हैं $100। तो फेसबुक कहता है कि या तो $500 स्पेंड कर लो एक दिन में, 2 दिन में, 20 में, 25 में, 30 में, हम आपको चार्ज करेंगे। अगर आप नहीं लगाते हो तो जितने आपने लगाए होंगे, फॉर एग्जाम्पल 500 की लिमिट थी बट हमने लगाए थे $200, तो फेसबुक बाय द एंड ऑफ द मंथ, जो मंथ की लास्ट डेट होगी उस दिन आपसे $200 चार्ज करेगा। तो फेसबुक आपको ये दो लिमिट्स पे चलता है कि या तो जो लिमिट हमने दी है वो स्पेंडिंग कर लो, क्योंकि हो सकता है हम 500 उसने दिए, हम मंथ पर $2,000 लगा दें, तो जब जब 500 पूरा होता जाएगा वो चार्ज करते जाएंगे, या मंथ का एंड आपने $450 लगाए पूरे मंथ में, इससे ऊपर गए ही नहीं, तो 30th को जो लास्ट डे होगा, 30th, 31st, जो भी मंथ का लास्ट डेट होगा, लास्ट दिन, लास्ट डे होगी, डेट होगी, उस डेट के ऊपर फेसबुक आपसे चार्ज कर लेगा। तो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमें $500 की लिमिट मिली हुई है, हमने 490 लगाए हैं 30 days में, तो हमें लास्ट डेट पे जाके चार्ज होना है। तो यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जाते हो तो पेमेंट पहले आपके पास आ रही होती है, आपने पहले कमा लिया, आपने उसमें से प्रोडक्ट वाले को पे करके शिपमेंट्स भी करवा दी, आपके मार्जिन आपके पास हैं, सारे पैसे आपके पास हैं, आप उन्हीं में से एड का पे कर दोगे, और जो बचेगा एड का पे करके, सेलर को पे करके जो सेंटर में बचेगा वो आपका प्रॉफिट है। समझ आ गई? तो मार्केटिंग भी स्टार्ट में कुछ थोड़े से पैसे आपको टाइम के साथ देने पड़ेंगे, और जैसे ही वो थोड़ा सा लिमिट एक्सीड हुई तो पहले पैसे लगा रहे होगे बाद में पे कर रहे होगे, तो आपके पैसे वो भी पहले पॉकेट से नहीं जा रहे, बाद में दे रहे हो आप जी। ऐड चलाने के बाद वो चेक करेंगे आपको, पहले ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। आप $5 लगाओ, $5 के ऐड चलाओ, $5 आपको चार्ज करेंगे, जब 5 लग जाएंगे फिर 25, फिर 50, 100, 250, 500, 750, $1,000। तो जब आप सक्सेसफुल पेमेंट करते रहोगे, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो फेसबुक आपको कहेगा, आपको फिर वो एक एडवांटेज देते हैं ना, एक एज देते हैं कि यार आप पहले पैसे लगाओ, पहले एड्स चलाओ, और जब आपकी इतनी अमाउंट आपने लगा ली तब हम आपको चार्ज करेंगे। तो वो हमें एक एक तरह का एक कंफर्ट दे रहे हैं ना। ओके, हो गया। तो फेसबुक ऐसे ऐसा आपकी लिमिट एक्सीड कर देगा और क्या कहेगा कि पहले पैसे लगाओ बाद में पैसे पे कर दो। ओके, शफक सिर्फ इतना समझ लें कि स्टार्टिंग में फेसबुक आपको साथ साथ पेमेंट देनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी अमाउंट स्पेंड होने के बाद, और जैसे ही आप ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा एक टाइम आएगा कि फेसबुक आपको $1,000 तक की भी लिमिट देगा कि $1,000 लगाओ, पहले एड चला लो $1,000 के, उसके बाद हम आपको चार्ज करेंगे। तो हम लोग जो कमाए हुए पैसे होंगे उन्हीं में से उनको दे देंगे। तो समझ आई ना कि हमारे पैसे वहां से भी निकल गए, हमें वो इन्वेस्टमेंट भी हमारी निकल गई, हम एड चला रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, सेलर को दिए, बाद में ऐड के भी दिए, जो बच गए वो हमारे। ओके, हो गया यार। अभी भी रिपीट, सीरियसली? मतलब इनमें से कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो कनेक्टेड था और उसको क्लियर नहीं हुआ? प्रिसाइजली बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बहस में जाने की जरूरत नहीं है। ये चीज बाद में ऐड, जब मैं ऐड करवाऊंगा ना एड्स, तो उसके अंदर मैंने ये रिपीट करना है, ये मैंने रिपीट करना है वहां पे। मैंने सिर्फ अभी ये बताया है कि मैंने बोला कि आपको ड्रॉप शिपिंग में जो पैसे लगाने पड़ते हैं मार्केटिंग पे लगाने पड़ते हैं। मैं ये कह रहा हूँ फेसबुक के अंदर ऐसा ऑप्शन है कि फेसबुक स्टार्टिंग में आपको मार्केटिंग के पैसे साथ साथ चार्ज करता है, जब टाइम गुजरता जाता है, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता जाता है, आप पैसे टाइम पे करते जाते हो, तो एक टाइम आता है कि फेसबुक आपको लिमिट, इतनी लिमिट दे देता है कि फॉर एग्जाम्पल $500, $250, $750, $1,000। फेसबुक कहता है ये लो पहले $500 की लिमिट है आपकी, पहले $500 लगा लो, उसके ऐड चला लो, हमें आप जब $500 लग जाएंगे ना तब हमें पैसे दे देना। समझ आई अब पॉइंट की? बस जो लोग डिस्कनेक्ट हुए थे कुछ भी हुआ था वो इस बात को समझ लें।
स्टार्टिंग में फेसबुक आपसे थोड़े थोड़े पैसे लगाते रहोगे, तो वो आपसे साथ से चार्ज करता रहेगा और लिमिट आपको देता जाएगा बड़ी। और एक टाइम आएगा कि फॉर एग्जाम्पल $500 की लिमिट उन्होंने आपको दी हुई है कि पहले $500 के एड चला लो, उसके बाद जब $500 लगा लोगे तब हमें पैसे दे देना, तो बाद में एंड पे पैसे ले रहा है। तो फायदा क्या होता है कि हम लोग चीज सेल कर रहे हैं, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हम उसमें से ही बाद में फेसबुक को पे कर देते हैं। जी पहले समझ लो प्रीपेड है, ये साथ साथ ही ऑलमोस्ट सबको करवाना पड़ रहा है, और बाद में पोस्ट पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले लगाओ सारे, फिर महीने के एंड पे जब पैसे पूरे लग जाए तब आप पे करोगे। ओके हो गया। तो ये पॉइंट फेसबुक का बहुत बेहतरीन पॉइंट है। जितने भी एड नेटवर्क के ज्यादातर इस तरह के काम करते हैं। तो जो लोग डिस्कनेक्ट हुए थे सबको हो गया जी क्लियर? कोई बंदा ऐसा तो नहीं जिसको क्लियर ना हो? तो ड्रॉप शिपिंग, जी जी नोट्स बन रहे होंगे साथ साथ जी। क्रेडिट कार्ड सिस्टम है, तो जिसका क्रेडिट कार्ड में पहले पैसे लगा लेते हो एंड पे बैंक को पे करते हो, तो वही वो वाला हिसाब है यहाँ पे। हाँ इस पे इंटरेस्ट कोई नहीं है एक्स्ट्रा, जितने लगाए हैं उतने ही देने, इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर। इंस्टाग्राम हम लोग फेसबुक के थ्रू ही हैंडल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इज पावर्ड बाय फेसबुक। तो आप एक जगह पे ऐड सेटअप करके फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर दोनों के ऊपर चला सकते हो, ठीक है? तो जब मैं ऐड सेटअप बताऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से वाला काम होता है। बस यह मैंने यहां से स्टार्ट हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग की कल वाली बात रिपीट की है, और मैं फिर बता रहा था कि हम जो 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 चीजें हम कर रहे हैं वो मैंने बोला था कि मैं हम लोग जो कर रहे हैं उसमें आपकी जो अमाउंट स्पेंड होनी है ना, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, तो आपके जो पैसे लगने हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे लगने हैं जब एड चलाना है आपने। प्रोडक्ट्स हंट भी खुद कर रहे हो, सोर्सिंग का पता लग रहा है आपको, लिस्ट भी हो जाएंगी, ऑप्टिमाइज भी हो जाएंगी, मार्केटिंग भी हो जाएगी, फुलफिलमेंट भी हो जाएगी। मार्केटिंग के ऊपर सिर्फ पैसे आपके लगते हैं, बाकी सारा का सारा काम आप सीखोगे वो आप सब कर लोगे। ओके हो गया। तो उसमें मैंने फेसबुक का बताया कि मार्केटिंग पे जो पैसे लगते हैं वो स्टार्टिंग में आपको साथ साथ देने पड़ते हैं, लेकिन बाय द टाइम आप पहले पैसे लगाओगे बाद में फेसबुक को पे करोगे, एक टाइम वो वाला भी आएगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक नॉट नेक्स्ट टॉपिक नहीं, या कह सकते हैं डेली बजट छोड़ दो यार, ऐड नहीं करवाया मैंने अभी, ऐड आपको बाद में बताऊंगा, ऐड बताऊंगा वहां पे जाके। अभी तो तसल्ली देने के लिए बताया आपको कि मार्केटिंग में पैसे लगते हैं, लेकिन वो किस तरह से लगते हैं उसकी तसल्ली देने के लिए, कि अभी कोई ये ना सोच ले यार कि बस छोड़ो परे भाई, पैसे ही तो नहीं है, या पैसों की बात आ गई पैसे ही तो नहीं है, तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया। अच्छा अभी मुझे ये बताओ, सोर्सिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? प्राइसिंग का, सोर्सिंग का, डिलीवरी ज़्यादा जल्दी करवानी है, ईबे इट्सी वगैरह पे चले जाओ, डिलीवरी जो है अगर नॉर्मल काम करेगी तो मेंशन कर दो अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, और अली एक्सप्रेस के थ्रू सोर्सिंग कर लो। तो ये तीनों, और सिंपल, जब चीज बिकेगी पैसे आएंगे उन्हीं पैसों में से यहाँ पे करोगे, और एड्रेस में कस्टमर का एड्रेस दोगे, बस ये पॉइंट है। बेशक एक एक प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस वगैरह से कहीं से ना अपने लिए मंगवा के उमर, गो विद स्टेटिस्टिक्स, गो विद स्टेटिस्टिक्स। मैं क्या कहता हूं, आपका दिल क्या कहता है उस पे नहीं जाना। जो प्रोडक्ट फाइंड की है उस प्रोडक्ट को गूगल पे सर्च करो, मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर देखो कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है, बहुत सैचुरेटेड भी ना हो, कम कम स्टोर्स पे है, बहुत ज्यादा पे ना हुई तो वो तो सैचुरेटेड प्रोडक्ट होगी, हर जगह मिल रही है। तो वहां प्राइसिंग देखो उनकी, क्या प्राइसेस रखी हुई है, उन प्राइसेस से आइडिया लेके कंपेटिटिव प्राइस आप वहां पे ऑफर करेंगे। तो मेरा दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है, इसके ऊपर प्राइस नहीं रखनी। और प्रॉफिट मार्जिन नो डाउट कि आपने देखना है कि आपका एड पे स्पेंडिंग हो रही है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, शिपिंग की कॉस्ट है, वो सब मिला के बाय द एंड आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा होना चाहिए। कम अज कम मैं जो प्रोडक्ट उठाता हूँ ना उसका 2 टाइम्स प्रॉफिट देखता हूँ। अगर वो $10 की प्रोडक्ट है तो मैं सोचता हूँ कि 30 के अंदर वो सेल हो सके, फिर उसका मजा आता है। तो इस तरह जाता हूँ, क्यों? मुझे शिपिंग कॉस्ट पे करनी है, मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट पे करनी है, मुझे एड की कॉस्ट पे करनी है, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट है। ठीक हो गया। तो मैं ज्यादातर जो प्रोडक्ट उठाता हूँ वो 150 से 200% प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता हूँ, कि जो मुझे मिल कम में रही है और उसमें कंपेटिटिव प्राइस उसकी यहाँ तक जा रही है। आप परफॉर्म करके कब दिखाएंगे?
परफॉर्म क्या चीज है शाम? अभी तक तो जो टॉपिक चल रहा है यार, अभी तक जो टॉपिक चल रहा है वो करके तो दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट हंटिंग मैंने आपको करके नहीं दिखाई, प्रोडक्ट कैसे फाइंड होनी है, क्या होना क्या नहीं होना। फेसबुक ऐड तो जब एड्स की बारी आएगी तब करेंगे ना, उम्र डिपेंड करता है ना, वही बात बोल रहा हूँ। 150 से 200% तक मैं देखता हूँ फिर ही मुझे प्रॉफिट आता है, वरना कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती है कि प्रॉफिट मार्जिन कम रख के भी सेल वॉल्यूम अप हो जाता है, वो 100% पे भी चलती है, ऐसे नीचे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए कह रहा हूँ कंपेटिटिव प्राइसेस पे जाना है, कंपेटिटिव जाना है आपने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक और चीज है, अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जिशान एड्स भी करेंगे। मैं असल में एक रोड मैप फॉलो कर रहा हूँ, रोड मैप ये है कि सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग, रिसर्च, फिर सोर्सिंग। अब सोर्सिंग पे हम लोग आए हैं, सोर्सिंग के बाद लिस्टिंग वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना, उस चीज की बात करेंगे, फिर उसके बाद उसकी मार्केटिंग की बात करेंगे, मार्केटिंग के बाद उसकी फिर वो जो फुलफिलमेंट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर एड्स वाली चीजें आएंगी, तो स्टेप बाय स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं। सुमान, जो एजेंट्स हैं ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, बस अगर ट्रस्टेड हैं तो क्या किया जा सकता है। कंपेटिटिव प्राइस ये होता है कि यार देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको ये भी बता दूं, उसके बाद मैंने एक और टाइप के ऊपर जाना है जिसका नाम है प्रिंट ऑन डिमांड, थोड़ा सा मैंने उसका भी इंट्रो देना है क्योंकि हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे वो भी होना चाहिए। कुछ लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, कुछ जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट देखूं, साइकिलिंग आईवीएस, चलो ये अपन कर लेते हैं। ये देखो कंपेटिटिव प्राइस की बात कर रहा हूँ क्या होती है, बल्कि कल हमने किया तो है यार, फिर भी मैं दिखाता हूँ उसको, परसों भी मेरे घर में मैंने उसको बात की थी। अब यहाँ पे कुछ ग्लासेस उठाते हैं हम लोग, ये प्रोडक्ट उठाता हूँ मैं, ये तो होगी अली एक्सप्रेस की प्राइस। अब मुझे देखना है कि इसकी प्राइस मैंने क्या रखनी है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, प्राइस सनग्लासेस। यहाँ से मैं जाता हूँ गूगल पर, ड्रॉप शिपिंग कॉम्स पे भी आता हूँ जी, मैं कंपेटिटिव प्राइस का बता रहा हूँ। अब ये एक प्रोडक्ट है, इसमें ब्लैक कलर सेलेक्ट किया मैंने और या ये किया, और वन क्वांटिटी 2.62 डॉलर्स की बनती है। मैं यहाँ पे आया गूगल पे, ये 15 स्क्लैन क्या रखा है आपने, प्राइस चेक की है इसकी? क्या हो गया इसको, अच्छा जी एक ये लिंक आया, नाम वगैरह की वेरिएशन करके आप देख सकते हैं। ओहो तो कोई और ही आ गई है, इतनी महंगी।
मल्टीपल साइट्स ओपन कर लेता हूँ, मुझे देखना पॉक ये वही वाली है EOC, नहीं ये तो कोई और है ना। वैसे इसका नाम यूज कर रहे हैं, ये पॉक ब्रांड ऐसे इसकी एक्सपेंसिव आ रही है, मुझे पॉक निकाल के वैसे सर्च करता हूँ। ऑलराइट एक लाइनें कहाँ से आती हैं यार, ये वाली जी वॉचेस भी हो सकते हैं, नहीं वो एडमन तो मैं हूँ। ये मेरे एंड से तो नहीं आ रहा, सलमान ना यार, अच्छा बल यहाँ पे ये कुछ रेलिवेंट यहाँ पे निकल सकता है, फोर्स लाइक X529.99, अमेजोन प्रोडक्ट देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट है मेरी, इसको डिसेबल कैसे करते हैं यार, भाई आप लोगों ने यूनिवर्सिटी का लेक्चर ही ले लिया है। अतीक चलो कर दिया डिसेबल, लेकिन यार गलत बात है ये, अगर आप ये फन कर रहे हैं तो फिर गलत बात है।
भी डिस्टर्ब हो रहे हो, क्लास भी कर रहे हो। बस वो कर दिया मैंने, लेकिन कोई ना नॉन सीरियस बिहेवियर हो गया ना अगर ये भी, जैसे मैंने 2-3 बार उसको रिमूव किया है, उसने बार बार दोबारा किया है, मुझे नहीं पता कौन कौन कर रहा था, लेकिन गलत बात है यार। अगर आपको वैसे क्लास नहीं लेनी या नहीं मज़ा आ रहा तो फिर बताओ, फीडबैक दो, वैसे बात करो। अच्छा तो यार ये मल्टीपल हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखो, अब आप लोग जो आपकी प्रोडक्ट है उससे सिमिलर प्रोडक्ट्स हमने फाइंड करनी है और देखना है कि उसकी क्या प्राइसिंग चल रही है। तो ये प्रोडक्ट मैं लेके आया था, ये प्रोडक्ट है C7 और ये ओके मल्टीपल दी है इसमें स्टाइलिंग में। देख लेते हैं कि स्टाइल की जो ग्लासेस हैं वो कौन सी हैं कौन सी नहीं हैं। ये कुछ मिलती जुलती लग रही है मोक, लेकिन ये है ब्रांड हो रहा है, तो सेम ब्रांड भी देख सकते हैं यार। इसका ब्रांड नेम क्या है, ये यंग डोंग ग्लासेस तो ये लिखा हुआ है, नहीं निटिंग मटेरियल, जी जी रेजन मटेरियल, सन ग्लासेस, पोलराइज्ड, जी ये इसी कीवर्ड पे, इसी कीवर्ड पे भाई। आप मल्टीपल यहाँ पे साइट्स आप ओपन करोगे और आपने इसमें मल्टीपल जो वहाँ पे आ रही हैं उनको देखो, और अगर कोई और सेल कर रहा है तो उसकी प्राइस देखो कि वो किस प्राइस पे सेल कर रहा है, तो असल में वो देखना है। और फिर आपको एक कंपेटिटिव प्राइस का आइडिया हो जाएगा कि अगर मैंने इसकी प्राइसिंग देनी है तो मैंने किस साइट पर कितनी रखनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर आउट भी ना हो, एक्सपेंसिव भी ना हो जाए, बहुत कम भी ना हो जाए, एक रीजनेबल प्राइसिंग हो। हाँ जी, कुछ ब्रांड्स की आ रही हैं जो $200 प्लस की आ रही हैं, तो ब्रांड्स की हैं तो उनके साथ हम लोग कम्पीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा वो उस लेवल में उस क्वालिटी में तो नहीं जाएगा। लेकिन ये जो 2025 वाली आ रही हैं, 15 वाली आ रही हैं, तो इसमें देखा जा सकता है, कुछ ही आर्टिकल्स आ रहे हैं जहाँ पर उन्होंने रिव्यू लिखे हुए हैं, इनके अंदर भी देखा जा सकता है। तो मल्टीपल यहाँ पे आपके पास आई थी, इनको देखें और इसको देखें कि इसकी प्राइसिंग कहाँ कहाँ पे क्या क्या चल रही है। जैसे कल मैंने रिवर्स किया था, किसी वेबसाइट की प्रोडक्ट को उठा के AliExpress के ऊपर आगे हंट किया था कि किस प्राइस के अंदर सेल हो रही है, और कल हम इधर से वापस वहाँ पर भी जा रहे थे। कंपेटिटिव के आसपास रखनी है, ज्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती है, सिमिलर भी हो सकती है, तो हम लोग वी विल ट्राई कि हम लोग थोड़ा सा उससे कम रख के चेक करें। ब्रांड्स अगर सेल करना है तो उसका एक और सिनेरियो है, ठीक है, जो टॉप ब्रांड्स जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उसके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो है, तो वो उसके लिए फिर एक डिफरेंट अप्रोच के साथ हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखिए, अब आपके पास ईबे के ऊपर भी पड़ी हुई है, ये मल्टीपल आ गई है। अब इसमें मैं देख लेता हूँ क्योंकि जो वहाँ पड़ी हो हम वही देख लेते हैं फटाफट से, तो कोई सिमिलर पड़ी और हम उसको देख लेते हैं। 5 लेंथ साइकिलिंग कलराइज्ड $13 समथिंग की उसने लिखा हुआ है, और यहाँ पे ईबे पे मेरे पास आई है, तो इसमें 5 लेंथ यहाँ पे वो भी 4 इस टाइप की लग रही है मुझे, ये भी है, ये है शायद, ये वाली ग्लासेस ये तो मेरा चाइना से ही हो रही है, शिपिंग भी बहुत ज़्यादा है, एड्स अलावा स्पॉन्सर्ड है। ये देखो जरा, ये वाली ग्लासेस कैप हो गई, ये ग्लासेस
सिमिलर है, इसको ओपन भी कर लेता हूँ मैं जी। ये मैंने कैटेगरी मेंस वाली ओपन कर लिया, यही तो टाइम लगाना है सजावल, यही तो टाइम लगेगा। असल में टाइम जो टेकिंग काम है आपका है ही ये, प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग काम ये वाला है। प्रोडक्ट रिसर्च करना कोई इस तरह का इतना इजी काम नहीं है, और ना ही तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। ये देखो ये जो सिमिलर लग रही है मुझे, इसके अलावा भी यहाँ पे मल्टीपल कलर्स पड़े हुए हैं ग्रीन और सारे, तो ये मुझे सिमिलर लग रही है, सिमिलर टू दिस वन। इसके ये $59 की सेल हो रही है, इसी के अंदर ये कलर्स हैं देखो, ये सेम स्टाइल है। और मज़े की बात ये एग्जैक्ट ब्रांड है, 59 का जो सेल हो रहा है एग्जैक्ट ब्रांड है। ये चेक करो एक्स वी, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स वी एल ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स वी ए ई लिखा हुआ है, क्या है कुछ लिखा हुआ है, ये आप देखें एक्स वी और आगे पता नहीं इसने किसको वो डिज़ाइन डिफरेंट किया हुआ है, उसको सेवन ई लिखा हुआ है शायद, तो एक्स वी सेवन ई ई एल एक्स वी उल्टा बट अच्छा हाँ ये भी हो सकता है रिफ्लेक्शन है। तो बहरहाल वो देखो और ये देखो ज़रा, ये वही लिखे हुए हैं, इस पर वही लिखा हुआ है, इस पर वही लिखा हुआ है, ये सारी वही प्रोडक्ट्स हैं। ये देखो एक्स ए वी चाइनीज में लिखी है, बहरहाल मिलती जुलती है, तो ये प्रोडक्ट भी वही है, ये जो कलर आपके पास पड़ा है 59 का, ये देखो यहाँ पे इसका कलर मैंने भी देखा पड़ा हुआ था, शायद ये इसका ब्लैक फ्रेम है, बहरहाल मल्टीपल आ रहे हैं यार, ये है उसी तरह की चीजें, ग्रीन हो गया तो ये आपको मिल रहा है 4.99, $5 का मिल रहा है, इधर 59 का सेल हो रहा है। ये वो लग्जरी टाइप वॉचेज इस तरह की सिस्टम आ रहा है, इस वजह से इस तरह महंगा है। ये जो शिपिंग लिखी है ना $32, ये पाकिस्तान की लिखी हुई है, इसलिए इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ना करना, या आप चेंज करके लोकेशन चेक करोगे USA के लिए डिफरेंट सिनेरियो होगा, तो मैं इसलिए प्राइस को फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप 200% की बात कर रहे थे, ये कहाँ से कहाँ बात पहुँच रही है, पाँच की चीज़ है, शिपिंग जो है वो USA के अंदर, ये अगर ये $4 वाली शिपिंग वो लेता है तो भी ये टोटल कॉस्ट पड़नी है उसकी 4.99 और 4.05, $9-$10 कॉस्ट पड़नी है, और ऑलमोस्ट $59 में सेल हो रहा है। तो अगर आप इसको 40 में भी जाते हो, प्राइस कम रख के भी जाते हो, तो प्रॉफिट मार्जिन आपका 300-400% तक जा सकता है। तो इस तरह से आपने हंट करना है, लोग बाय करते हैं, लोग क्यों नहीं करते, ये देखो 4 अवेलेबल हैं, और अगर ये बाई सेल हुई हुई तो इसके रिव्यूज भी आ रहे होंगे, इसके नहीं है बाकियों के आप बैग जाके उनको भी देख लें, 100% पॉजिटिव फीडबैक लिखा हुआ वहाँ आ रहा है। और देखो यहाँ पे 11 सोल्ड, 9 वॉचिंग, यहाँ पे बताया भी होगा 58 सोल्ड, 63 सोल्ड, ओनली वन लेफ्ट, 104 सोल्ड, तो इस तरह से डिफरेंट आपको पता भी लगेगा कि इनकी सेल्स ईबे पे कितनी है, मतलब यहाँ पे कितनी है। ये देखो रोको ब्रोज साइकिलिंग पोलराइज जो है वो 317 इतनी सोल्ड है, तो रोको ब्रोज साइकिलिंग पोलराइज, तो अगर मैं इसी को सर्च करूँ अली एक्सप्रेस पे, शायद ये पड़ी हो रोको ब्रोज, तो ये भी यहाँ पे आके देखा जा सकता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, एक से दूसरी लिंक हो रही होगी, दूसरे से तीसरी, आप इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड भी शाह लिखा गया, वो एड चला हुआ है ईबे पे, इस वजह से स्पॉन्सर्ड आ रहा था, सनग्लासेस। हम लोग अली एक्सप्रेस से अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं ये बात कर रहा हूँ, हम ईबे से भी कर सकते हैं इसको आगे, हम किट्स से भी कर सकते हैं, प्राइसेस देखनी है, सब कुछ देखना है। तो अगर 3K की कस्टमर 2-3 प्रोडक्ट्स इकट्ठी लेगा तो शिपमेंट चार्जेस जी चेंज हो रहे होते हैं, आप एक भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है ना, कि अगर आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में शिपिंग कवर कर रहे हो तो फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा ये मल्टीपल यहाँ पे इसकी इनकी आ रही हैं, और इसके अंदर
जो मैं प्रोडक्ट देख रहा था रोको ब्रोस वाली, ये वाली, ये 19.19 $20 की दे रहा है, 10134 मॉडल है इसका, और प्राइस इसकी ये वाली है, ये वाली है, बट यहाँ पे 16.37। तो हो सकता है यही सेलर रोको ब्रोस वाला जो है वो अली एक्सप्रेस के ऊपर यहाँ पे भी है सोर्सिंग दे रहा है। तो ये उस तरह की प्रोडक्ट है कि जो अगर यहाँ पे मुझे डिलीवरी टाइम अच्छा मिलता है तो मैं बजाय इसकी सोर्सिंग जो है वो अली एक्सप्रेस के करने के, मैं इसकी सोर्सिंग यहाँ से कर सकता हूँ। $4 पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि इसकी शिपिंग वगैरह से काउंट करके बाद उधर ही पहुंच जाए, लेकिन जो ईबे है वहाँ से शिपमेंट जो है वो क्विकली हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, लेकिन अली एक्सप्रेस से शिपिंग जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लेगी। तो ये सारा प्रोडक्ट हंटिंग है जो आप इधर से देख रहे हो, चीज़ें सारी कर रहे हो, ये सारी प्रोडक्ट हंटिंग है। फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग है, फिर कहाँ से लेनी है, उनकी प्राइसिंग जो है वो, फिर कंपेटिटिव प्राइसेस पे जाना, डिफरेंट स्टोर्स को विजिट करो, जो चीज़ बेचने जा रहे हो उसका नाम पकड़ो, गूगल में जाओ, डिफरेंट वेबसाइट सर्च करो, जहाँ जहाँ नज़र आ रही है उसकी प्राइसिंग देखो, फिर एक एवरेज प्राइस निकल आएगी, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्राइस सेट करोगे कि उससे बहुत ज़्यादा भी ना हो, उससे बहुत कम भी ना हो, इस तरह से। जी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन वो ईबे पे सेलर बनने के लिए आपको पेपाल चाहिए, पीछे के लिए भी चाहिए। जाहिर बात है साइकिलिंग वाले जो इंटरेस्ट रखने वाले हैं वही बाय करेंगे, वही हमारी टारगेट मार्केट होगी अगर हम इसको इसकी तरफ जाएंगे। तो ये भी एक नीश है साइकिलिंग के लिए ग्लासेस, ये भी एक नीश है सर। ये लोग गूगल से प्रोडक्ट सर्च कर नहीं करेंगे कि इनमें मिनिमम प्राइस में मिल जाए। शहबाज देखो फेसबुक पे ऐड लगा हुआ है, बंदा स्क्रॉल कर रहा है, सामने आ गया, वो साइकिलिंग में शौकीन है, साइकिलिंग की स्क्रीन लगता है, सब कुछ शौक है उसको, वो अब उधर से पकड़ के, कितने लोग उनमें से ऐसे होंगे जो गूगल पे जाएंगे और वहाँ सर्च करेंगे नहीं प्राइस इससे कम पे मिलेगी तो मैं लूंगा, ओपन करेंगे वो एड स्टेट पे, देखेंगे समझ आएगी तो बाय कर लेंगे। आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं किया कि फेसबुक पे ऐड नजर आ रहा हो द्रास का, किसी और का, कोई शूज हो, कोई ज्वेलरी हो, कोई ड्रेसेस हो, कुछ भी हो, और आपने उसको ओपन किया और वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया हो? बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको, उसके अलावा वो नाम पकड़े, फिर गूगल पे जाएं, वहां सर्च करते करें, यार नहीं कहीं और से मिले, सस्ता मिलेगा तो लेंगे, बहुत कम है। आपने अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है, अच्छा ऐड चला हुआ है, अच्छी पिक्चर्स हैं, अच्छी आपने सही उसको एक प्रॉपर वे से प्रेजेंट किया हुआ है, लोग उसको देखेंगे, प्राइस देखेंगे, ओपन करेंगे, देख के ले लेंगे। मैंने कई बार इस तरह बाइंग की है, ठीक है? तो ये मार्केटिंग है ना, बस आप एड्स के थ्रू मार्केटिंग उन तक पहुंच रहे हैं, वो लोग लेंगे। हर बंदा ऐसा नहीं होता, आप $10-$20 की चीज़ है यूएसए में बेच रहे हो, यूके में बेच रहे हो, ये कितनी बड़ी अमाउंट है, वो लोग सिर्फ ये देखेंगे अच्छी चीज़ पसंद आ रही है ले लेते हैं। मुसलमान हो तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। जैसे वेबसाइट पे उम्र उम्र करेंगे उसी तरह से इन पे करेंगे, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, लेकिन इनके ऊपर पेपॉल की रिक्वायरमेंट है, तो पेपॉल होना आपका ज़रूरी है। ट्रिक वाला पेपॉल नहीं कि आप पेन से अटैच करके पाकिस्तान में बना लें, पिन वेरीफाई करा लें, इस किस्म का नहीं, प्रॉपर पेपॉल। तो बाहर कोई है उसका यूज़ करना पड़ेगा, या अगर आप पिन वेरीफाई करवाते हो, दूसरा पेनियर के थ्रू यूज़ करते हो, तो आपको पिन वेरीफिकेशन जो है उसके लिए भी बंदा बाहर चाहिए, कल को दोबारा री वेरीफिकेशन मांग लेते हैं फिर क्या करेंगे। सीधा ये डिपेंड करता है, इसमें भी जो आपने चार्ज करना है ना इस सर्विस का, प्रोडक्ट हंटिंग का, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, अवर है, फाइवर है, सारे हैं, इनको एक्सप्लोर करो, इनके ऊपर देखो कि लोग क्या रेट्स रखे हुए हैं, किस तरह से ऑफर कर रहे हैं, मार्केट के बीच, मार्केट के साथ स्टिक करना है, ना बहुत ऊपर निकलना है ना बहुत नीचे जाना है। अपनी अपनी ये तो फिर जो डिफरेंट है, अगर पाकिस्तान में करवा रहे हो तो पाकिस्तान में TCS, लेपर्ड, OCS, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इवन के आपका पोस्ट ऑफिस सारे के सारे डिलीवर करते हैं बाहरी चीज़ें, ठीक है? अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो ये चाइना से, तो वहाँ से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपकी फुलफिलमेंट की सर्विसेज आपको देते हैं, प्रोडक्ट आपकी उठाएंगे, पार्सल करेंगे, शिप करेंगे, बहुत सारे तरीके। नहीं सिद्धरा वो 50 प्रोडक्ट जो करते हैं ना वो इतनी मेहनत वाली नहीं करते, वो जो 5 में 50 दे रहे हैं वो इतनी मेहनत वाली नहीं है, ठीक है? तो बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट, मुझे बताओ प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग, ये आपको किसी हद तक क्लियर हुआ है? अगर क्लियर हुआ है तो मैंने एक प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस होती है, मैंने उसके बारे में बताना है, इंक्लूड हो जाता है, हमारी कॉस्ट हमारी कवर करती है। देखो लोग जैकेट्स बेच रहे हैं पाकिस्तान से, अब जैकेट जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है, 500-700-800-1000 रुपये की मिल जाएगी, शिपिंग उसकी पड़ जानी है 2000। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे होता है, शिपिंग करवानी हो ना पाकिस्तान से, अगर आपने करवानी है, अब जैकेट ले रहे हो, जैकेट खुद 1000 की है, शिपिंग उस पर 2000 की 2500 रुपीज़ होगी, तो टोटल हो गया 3500। जब आप उसे बेच ही 7000 में रहे हो तो आपका 3500 जाने में क्या है? ये सारा काम जी बीए का काम भी है ये।
10 points on the scale of 0 to 10, क्या बात है इस्लाम, बाकी लोग भी बताओ। जी, उमर मैं बता रहा हूँ रोड मैप। यार देखो, प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग, हंटिंग रिसर्च सोर्सिंग, कहाँ से लेंगे, प्राइसिंग, इस तरह की बातें डिस्कस करते रहे। आगे आएगा लिस्टिंग, उसमें मैं वेबसाइट बनाऊंगा, प्रोडक्ट लिस्ट करना बताऊंगा, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह डिज़ाइन भी बताऊंगा, डिज़ाइन कैसे करते हैं पूरी वेबसाइट को। पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, फिर डिज़ाइन, फिर शिपमेंट कैसे हो, वो सारा स्टेप बाय स्टेप होगा। ओके हो गया, तो कोई क्वेश्चन हो वहाँ पूछ लिया करो। अच्छा, अब इसके अलावा ये तो हो गया ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ना होता तो वेंडर मॉडल होता, उसमें फिर होलसेल वाली साइट पे जाना था, ये सब कुछ होना था हमारा। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है ना, वो है प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है, किसी को पता है? फातिमा, हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो फिर आप किसी भी लेवल पे जा सकते हो। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इसमें होनी चाहिए, हमें रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, हमें इनकम जनरेट होनी चाहिए। सेपरेट लेक्चर रखूँ उसका? पी ऑन रिपीट क्या करूं मैं? अच्छा, मैंने पूछा है प्रिंट ऑन डिमांड, पीओडी, पीओडी बोलते हैं इसे, प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज। छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, कल उसको आगे फर्दर ले चलेंगे, किस तरह से होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। नहीं, आज थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ, कल तो कल फ्राइडे देख लेते हैं, फिर उसको एक अलग पूरे लेक्चर में प्रिंट ऑन डिमांड को कवर कर लेंगे। असल में क्या क्या बेचा जा सकता है, कैसे कैसे बेचा जा सकता है, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। वेंडर मॉडल है, होलसेलर के साथ ड्रॉप शिपिंग है, वो कस्टमाइज एक बताया था, प्रोडक्ट्स अपनी बनवाना, ये प्रिंट ऑन डिमांड, जरा वो वाली चीज़ इसमें फिट होगी कि अपनी प्रोडक्ट आप बनवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही हद तक वो अलग भी हो सकती है। जी, अगर के वीडियो दे दूंगा मैं आजकल में, ताकि देखने का बनाओ उसको। हर चीज़ का स्कोप है ऐसा, सिर्फ आपको राइट ऑडियंस तक जाना है, जो लोग उसकी उस सर्विस खरीदना चाहते हैं उन तक पहुंचना है हमें। जी, प्रिंट ऑन डिमांड, कस्टमाइज्ड डिजाइंस, आइदर टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, वॉल स्टिकर्स एटसेट्रा। अरसलान, ये कि कॉपी पेस्ट तो नहीं किया? तो प्रिंट ऑन डिमांड ये होता है, देखें जी, मेरे से मैं कस्टमाइज्ड शर्ट्स सेल करता हूँ, मीन के आप शर्ट आपको हम देंगे, आप जो डिजाइन चाहते हैं उसके ऊपर बनवा लें, तो कस्टमाइज्ड डिज़ाइन के साथ जो है ना वो शर्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चले, ज़बरदस्त हो गया, वाज जस्ट किडिंग। तो ये आपकी प्रिंट ऑन डिमांड है। हाँ जी, कैप है और पिक्चर लगवा आगे भेज दो, वो प्रिंट ऑन डिमांड हो जाएगा। मग है, उसके ऊपर अपनी पिक्चर लगवा लें, कुछ लिखवा लें, कोटेशन करवा लें, ये तो यहाँ लोकल मार्केट में भी होता है। ठीक है, तो वो प्रिंट ऑन डिमांड है। तो आप प्रिंटिंग कराते हो ऑन डिमांड अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, कैप के ऊपर हो सकती है, मग के ऊपर हो सकती है, आजकल मास्क के ऊपर हो रही है, सॉक्स के ऊपर लोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह शर्ट्स के ऊपर करते हैं, तो जिस चीज़ के ऊपर मर्जी आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन जो है प्रिंट करवा सकते हैं, उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। समझ आ गई? जी, पीएसएल वगैरह इवेंट्स के अंदर तो बल्क ऑर्डर्स होते हैं, बड़ी बड़ी होते हैं, तो ये प्रिंट ऑन डिमांड है। सॉक्स पे, कैप्स पे, शर्ट्स पे, मास्क पे आजकल, तो ये जो प्रिंटिंग करवाते हैं अपनी मर्जी की, ये आपका प्रिंट ऑन डिमांड है। क्लियर हो गया? ये चीज़ें भी सेल की जा सकती हैं, बहुत सारे सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है इसके, चाइना से भी सोर्सिंग हो सकती है, यूएसए से भी हो सकती है, यूके से भी हो सकती है, डिफरेंट एरियाज के, कनाडा से भी हो सकती है। लोग बैठे हुए हैं जिनकी प्रॉपर पूरे सेटअप्स हैं प्रिंटिंग के, और आपको वही सर्विसेज दे रहे हैं कि भाई आप चीज़ें बेचो, जब बिकेगी आप सिर्फ हमें ऑर्डर प्लेस करें, हम आपको चीज़ प्रिंट ऑन डिमांड इतने में करके देंगे, आगे फिर हमारी अमाउंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट है, वो शर्ट मैंने लेनी है किसी प्रिंटिंग ऑन डिमांड सर्विस से, तो उन लोगों ने बोला हुआ कि आप जो लोगो लगाएंगे, जो कुछ करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम चार्ज करेंगे। उसमें कलर्स भी होते हैं कि एक कलर, दो कलर, तीन कलर, किस किस्म का डिज़ाइन है, तो एक रेट डिसाइड हो जाता है। अब मुझे $15 के अंदर एक शर्ट मिल रही है विद माई ऑन डिज़ाइन, ठीक है, तो मैं अपने कस्टमर को 25 में सेल कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, मुझे 25 का ऑर्डर आएगा, साथ डिज़ाइन कस्टमर देगा, मैं अपनी प्रिंटिंग ऑन डिमांड जो मेरे जो सोर्सिंग है मेरी, जो हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं उनको बोलूँगा, वो उसको बनाएंगे, उसके बाद उसको शिप भी वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। टी स्प्रिंग बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत कुछ है, कस्टम कैट है, उसके बाद प्रिंटिफाई है, बहुत कुछ है, गियर बबल है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल सोर्सर हैं कि हमें खुद नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम सेटअप्स नहीं लगा सकते, हम नहीं कर सकते, ना करें,
लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं हम आपके बिहाफ पे करेंगे, हम 15 में आपको शर्ट एक देंगे इस डिजाइन वाली, हम 13 में देंगे, हम 12 में देंगे, हम कहेंगे चलो जी हम 22 में बेचते हैं, 25 में बेचते हैं, आप उतने में अपनी वेबसाइट पे लगाओगे और लोगों को आप ऑप्शन दोगे भाई जो आपका डिजाइन है आप बताओ, हम आपको ये वाली शर्ट आपके आपके डिजाइन के अंदर इतने पैसों की बना के देंगे। लोग आपको ऑर्डर प्लेस करेंगे, पैसे आपके पास पहले आएंगे, आप उसी में से एक अमाउंट मतलब 25 आपको आया, आप 15 पकड़ोगे, 15 आप पे करोगे अपनी जो सोर्सिंग एजेंसी है जो जैसा ये प्रिंटिफाई और ये सारी एग्जाम्पल्स और लोग भी बोल रहे थे, हम लोग उनको पे करेंगे, डिजाइन देंगे, वो तैयार करेंगे शर्ट, उस पर डिजाइन लगाएंगे, उसके बाद शिप कर देंगे। जी मर्च भी करता है, टी स्प्रिंग बहुत बड़ी एग्जाम्पल है टी स्प्रिंग जी, सब कुछ होगा उन्हें, मतलब जो कस्टमर है उसको बना बनाया मिलेगा, उसने सिर्फ डिजाइन सेलेक्ट करना है, फैब्रिक हम लोग खुद मतलब जो हमारा सोर्सिंग एजेंट है कस्टमर के लिए तो हम ही कर रहे हैं ना, हम ही शर्ट दे रहे हैं, हम ही उसके ऊपर प्रिंटिंग करके उसको दे रहे हैं, आगे जिसे हम ले रहे हैं वो भी शर्ट समेत दे रहा है, प्रिंटिंग और शर्ट दोनों चीजें दे रहा है, कैप शर्ट कैप और प्रिंटिंग दोनों दे रहा है, मास्क और प्रिंटिंग दोनों दे रहा है, सॉक्स और प्रिंटिंग दोनों दे रहा है, बिल्कुल बना सकते हैं सना। मैं जो कुछ भी करवाता हूँ ना उसको सीधा अपवर्क पे फाइबर पे फ्रीलांसर पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके देखा करो कि इसका क्या पोटेंशियल है, इससे क्या सर्विस निकल सकती है, क्या लोग ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, और उस तरह से आप लोग जाने की कोशिश करोगे। जी मैं ये कह रहा हूँ प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज ये होती हैं कि शर्ट कैप मास्क सॉक्स किसी भी चीज के ऊपर आप कस्टमर की मर्जी की जो है ना प्रिंटिंग करवा के देते हैं, डिजाइन प्रिंट करवा के देते हैं, ये प्रिंट ऑन डिमांड होता है कि जो उनकी डिमांड है प्रिंट करना हम वही करके देंगे। तो अब हम खुद तो नहीं कर रहे होते क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सिंग एजेंट्स हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं जो जिनके अपने सेटअप्स हैं और वो ये काम आपको करके देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैप है, वो कहते हैं जी हम आपको $6 में कैप विद प्रिंटिंग देंगे, $8 में आपको कैप विद प्रिंटिंग देंगे, आपकी मर्जी की प्रिंटिंग, तो मैं आगे 15 में 16 में 18 में 19 में 20 में इस तरह सेल कर रहा हूँ, तो मुझे कस्टमर पे करेगा, अपना डिजाइन भी देगा, मैं अपना जो सोर्सिंग एजेंट है जो मेरी प्रिंटिंग कर रहे हैं मैं उनको बोलूंगा जी फलां का ऐप है और उसके ऊपर ये वाला प्रिंट करके शिप करना है, तो मैं उनको उनके पैसे पकड़ाऊंगा, वो करेंगे और कस्टमर को भेज देंगे। हीलियम जंगल स्काउट जो है ना वो अमेजोन के लिए, वो अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, हाँ जी अमेजोन का बहुत ज्यादा वाइब है, बिल्कुल है उसकी जब, कोशिश करूंगा मैं, वादा नहीं है इसी बैच के अंदर अगर हमें टाइम मिला, क्योंकि पार्ट नहीं है वो हमारा, लेकिन मैं उसको किसी हद तक आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसके अंदर भी जा सको। ठीक हो गया, तो प्रिंट ऑन डिमांड का आइडिया हो गया, अब ये बड़ी सिंपल सी यहाँ पे स्ट्रेटेजी है जी प्रिंट ऑन डिमांड कैसे काम करता है, आगे हम लोग वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब इतने जबरदस्त सर्विसेज हैं कि हमें जब ऑर्डर आता है ना हम लोग वन क्लिक के अंदर जो है ना वो जो हमारा हमारे सोर्सिंग एजेंट हैं पार्टनर्स हैं हम उन तक पहुंचा सकते हैं, तो बड़ा ऑटोमेट हुआ हुआ काम होगा। तो अभी तो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आगे बड़ी ऑटोमेशन भी है, तो बड़ा ना उसमें मजा आएगा। अब देखो यहाँ पे मैं गूगल पे जाता हूँ, देखो प्रिंट ऑन डिमांड है, मैं चीजें बेच रहा हूँ और मुझे मुझसे आगे ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, अब मैं खुद नहीं बना रहा, मेरे मेरा सोर्सिंग पार्टनर है, मैं उससे बनवा के दे रहा हूँ, ये इस तरह चेंज चल रही है। ठीक हो गया, तो सोर्सिंग एजेंट किस किस्म के होते हैं, यहाँ पर मेन सबसे बड़ा ना बेचना तो वैसे ही होगा जैसे बाकी प्रोडक्ट्स हैं, वो वैसी लिस्ट हो जाएंगी, वैसे ही ऑर्डर आएंगे, वैसे ही सब कुछ सेल हो रहा होगा, वही पेमेंट गेटवे होगा, सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि पहले हम लोग अली एक्सप्रेस ईबे इट्सी पे जाके जो बनी बनाई प्रोडक्ट है वो उठा रहे हैं, उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमारा ये सारे प्लेटफॉर्म हमारा जो है ना वो सोर्सिंग नहीं हो सकती, हमारे सोर्सिंग सिर्फ वो लोग हैं जो प्रिंटिंग करके देते हैं, जो प्रिंट ऑन डिमांड करते हैं, तो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा उनके साथ पार्टनरशिप होती है कि भाई हमारी जो सेल होगी हम उसमें से आपको पे करेंगे और आप प्रिंट करके दोगे। ठीक है, तो ये एक नया जो है ना उसके अंदर बंदा आ जाता है, अब्दुल रऊफ अकेला नाम लिखा हुआ है, आईडी कार्ड के 7 डिजिट्स नहीं है साथ आपके, तो ये जो सोर्सिंग एजेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड, इसको पीओडी भी बोलते हैं, यहाँ पे बोल के बोलता हूँ बस प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज, अगर मैं ये लिखता हूँ 10 प्रिंट ऑन डिमांड कंपनीज, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं,
जी जितने में हमें मिलेगा जारी बात है, हम उसके अकॉर्डिंगली आगे टाइम फ्रेम देंगे। तो क्योंकि ये लोग ज्यादातर यूएसए यूके, अगर हम यूएसए यूके कनाडा वगैरह के यूज करते हैं तो डिलीवरी टाइम विद इन अ वीक हो जाता है डिलीवर। अगर हम लोग चाइना वगैरह यूज करेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो 10 प्रिंटिंग कंपनीज, तो ये देखो कोई याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है, खुद ही याद हो जाएगा। ये 10 इन्होंने शेयर की हुई है शॉपिफाई ने, और शॉपिफाई पे हमने काम भी करना है तो शॉपिफाई ने रिकमेंडेड शेयर की है। प्रिंटफुल, एसपीओडी, प्रिंटिफाई, अपेलिक, ड्रॉपशिप, टी लॉन्च, कस्टम कैट, लुलु एक्सप्रेस, टी पॉप, जेट प्रिंट, एओपी, इजी प्रिंट ऑन डिमांड। तो देखो अब प्रिंटफुल है, मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो ये वो सर्विसेज हैं जिनसे हम बनवाएंगे यहाँ पे। अब ये चीज यहाँ पे मैं इसे दिखाना चाह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनसे हम बनवा के देंगे। तो हम मिडिल मैन है, हम सेंटर में हैं। वैसे तो हम ड्रॉप शिपिंग में बाकी सारी चीजों में भी सेंटर में ही है, किसी के प्रोडक्ट उठा के आगे बेच रहे हैं। तो इसमें भी वही है कि हम लोग सेंटर में मिड में हैं और हम लोग इनसे बनवा के देंगे। तो ये आपके पास इनके बारे में बताया हुआ, उन्होंने शिपिंग, प्रोडक्ट्स आर यूजली रेडी टू शिप विद इन 2 to 5 days फ्रॉम यूएसए, मैक्सिको और यूरोप, विद 50% ऑफ द ऑर्डर रेडी इन अंडर 3 days। स्टैंडर्ड शिपिंग टू यूएस स्टार्ट फ्रॉम $3.99। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट ये चार्ज करेंगे मैं, और 3 से 4 दिन जो है ना उस लगेंगे उसको शिप होने में, पहुंचने में। प्रिंटिंग ऑप्शंस, डायरेक्ट टू गारमेंट, एम्ब्रॉयडरी, कट एंड सीयू एंड सब्लिमेशन प्रिंटिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट ये अवेलेबल है। यूनिक फीचर्स क्या है, बिल्ट अप मॉकअप जनरेटर मीन्स यू कैन बी रेडी टू सेल इन मिनट्स। बना बनाया सिस्टम है, वो जैसे ही लोग कोई भी डिजाइन सेलेक्ट करेंगे उसको ऐड करेंगे, वो आपके सामने बना बनाया दिखा देंगे कि शर्ट के ऊपर कैसा लगेगा, कैप पे कैसा लगेगा, उस तरह चीजें बताएंगे। और फिर हम लोग उसके ऊपर ऑर्डर कर उसको तो एक विजुअल देख के उसके बाद लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो बिगिनर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सबके लिए जो है ना ये अवेलेबल है। उसके बाद इसको अगर मैं ओपन करता हूँ 25 को, इसकी शक्ल दिखाने के लिए, तो इन्होंने एक ऐप भी दी हुई है जो हमारी शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट हो जाती है। प्रिंट होल, वीडियो देख लो, आइडिया हो जाएगा। वैसे तो इसे एक्सप्लेन करना है, मैं आगे नेक्स्ट फर्दर इसको लेके चलूंगा। मैंने तो 10-15 मिनट की वीडियो, तो ये जी printful.com, मैंने इनकी साइट ओपन कर ली है। ये इनके पास सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, इनको देख सकते हो आप लोग। सबकी होंगी इसी तरह की, जो जितने भी प्रिंट ऑन डिमांड सर्विसेज आ रही हैं सबकी ऐसे हैं। किड्स क्लॉथिंग, हैट, एक्सेसरीज, मेंस क्लॉथिंग, टी शर्ट्स, लाइक मैं टी शर्ट्स की बात अगर करता हूँ, टी शर्ट्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको नजर आ जाएंगी। कस्टम डिजाइन टी शर्ट्स सब कुछ देते हैं ये। अगर शर्ट हम ऑर्डर कर रहे हैं तो शर्ट और डिजाइन दोनों चीजें इन्होंने देनी है। नहीं जी मौका मैं बनाना तो नहीं सिखाऊंगा, तो डिजाइनिंग का काम है ना वो। नहीं ये हमें नहीं करेगा, इंटरेक्ट करेगा ये, हम सिंक हुआ होता है हमारे स्टोर के साथ, सिंक हुए होते हैं ये। हमारे पास ऑर्डर आया, हम इनको प्लेस करते हैं, कस्टमर डिटेल्स फॉरवर्ड कर देते हैं, और ये हमारे स्टोर के बिहाफ पे शिपिंग कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ करेंगे, ये पूरे हमारे फुलफिलमेंट पार्टनर होंगे, ये हमारे फुलफिलमेंट पार्टनर हैं। हमारा काम है ऑर्डर आया और इनको देना। ये देखो अब ये इनकी एक ये शर्ट है, ये शर्ट है, इन्होंने डिफरेंट शर्ट्स यहाँ पर लगाई हुई है कि जो जो शर्ट्स हम अवेलेबल करते हैं और इसके ऊपर डिजाइन करके हम आपको दे सकते हैं। उनके साइजेस कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सब कुछ हमने बताया हुआ है। तो इनका शर्ट्स क्या, तो फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट सेलर ये 2-3 लिखे हैं इन्होंने। ये जो शर्ट है इनकी, ये 7.95 डॉलर से स्टार्ट हो रही है। ये इसके कलर्स हैं, ये 12.95 से स्टार्ट हो रही है, इसके कलर्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ये शर्ट मुझे यूज़ करनी है, तो मेरे स्टोर पे भी ये शर्ट नज़र आ रही होगा करेगी, और लोग सिर्फ उसके ऊपर डिज़ाइन फिट करेंगे अपना। अब देखो चूज़ टेक्निक,
अगर आपने ये करना है, आप ये देखो यहाँ पे उन्होंने प्रिंट थोड़ा सा दिखाया भी है, प्रिंटिंग करके बताई भी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इसको बाय करना होगा मेरे स्टोर पे, लिस्टेड होगी प्रोडक्ट, एम्ब्रॉयडरी करवानी है उसने, प्रिंटिंग करवानी है, अगर एम्ब्रॉयडरी करवाता है तो उसकी प्राइस 9.95 डॉलर है, अगर वो प्रिंटिंग करवाता है तो 7.95 डॉलर से स्टार्ट हो रही है। ये कलर्स हैं, उसको नेवी ब्लू चाहिए, उसको स्मॉल लार्ज एक्सेल 2XL क्या चाहिए, लार्ज चाहिए, लार्ज क्लिक कर दो, प्राइसिंग सामने। डिलीवरी टू पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान में थोड़ी कर रहा हूँ, तो बहरहाल ये इस तरह से सब कुछ। उसके बाद आप अपना डिजाइन दोगे, स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप अपना ये सारा ऐसी एज इट इज आपके स्टोर पे शो होगा। तो हम लोग सिर्फ सिंक करेंगे इसको अपने स्टोर के साथ, तो जितनी प्रोडक्ट्स सब्जी पड़ी हुई हैं वो सारी मेरे स्टोर के ऊपर आ जाएंगी। ये लिंक करना मैं बताऊंगा ना जब स्टोर डेवलपमेंट करेंगे, अभी सिर्फ समझना है कि ये सिर्फ फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। वो उधर सिंपल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कस्टम प्रोडक्ट्स हैं। तो कोई बंदा भी आएगा, जैसे मैंने शर्ट पे क्लिक किया, स्टार डिजाइनिंग पे क्लिक किया, ये मेरे पास मुझे बता रहा है फाइल चूज करो, टेक्स्ट ऐड करो, क्लिप आर्ट ऐड करो, क्विक डिजाइन बनाओ, प्रीमियम इमेजेस लगाओ, क्या लगाना है इस पार्ट के ऊपर लगेगा, तो वो मैं सब लगाऊंगा। मेरे पास एक विजुअल भी आ जाएगा कि किस तरह का ये लगेगा। लाइक मैं कहता हूँ जी ऐड टेक्स्ट, तो मैं कहता हूँ जी मैं लिख देता हूँ उसमें सैंपल टेक्स्ट, ये लिख देते हैं क्या लिखना है। तो मैं सैंपल टेक्स्ट लिखा, वो आ गया, इसका कलर क्या होना चाहिए, वो कलर ले लूंगा, इसके शेडो आउटलाइन ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, वो आपकी यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। टेक्स्ट साइज है वो कम कर दो, लेटर स्पेसिंग है उसको कम ज़्यादा करना है, आर्क बनानी है, ये आर्क बन गई, ठीक है, रोटेट करना है इसको, रोटेट कर लो, तो इस तरह का। ये तो मैंने टेक्स्ट लगा के दिखा रहा हूँ, आप इमेज लगा लें, कुछ भी लगा लें, सामने प्रीव्यू आएगा, फ्रंट बैक आउटसाइड लेबल ईच एंड एवरीथिंग दिखाएंगे, उसके बाद ऐड टू कार्ट करके बंदा चेकआउट करेगा, मुझे भी ऑर्डर आ जाएगा, साथ इनको भी आके बता सकते, ठीक है। तो ये प्रिंट करके शर्ट के ऊपर, ये स्टफ इनका हर चीज इनकी, और ये शिप कर दिया करेंगे, और मेरे लिए काम किया जी, मैंने सिर्फ और सिर्फ 25 प्रिंटफुल जो है ना इसको अपने स्टोर के साथ सिंक करना है। वो कैसे करना है मैं बता दूंगा। सर ना स्टोर डेवलपमेंट मैं करवाऊंगा आपको, लेक्चर्स में करवाऊंगा इंशाल्लाह। नहीं, ये ऐप शॉपिफाई के साथ होगी, फिर आगे आपका पेज भी बनेगा, साथ साथ पेज पे पब्लिश कर रहे होंगे, साथ कुछ सब कुछ चल रहा होगा। यानी पीओडी वन बाय वन सेल हो रही थी, ले, ले, एक शर्ट भेज, क्योंकि एक बंदा आया उसने एक ही शर्ट खरीदनी है, उसने कोई 10 थोड़ी खरीदनी है, तो ये वन बाय वन ही जा रही होती है, तो एक बाय कर ले, दो बाय कर ले, उसकी मर्जी। ओके हो गया, तो ये आपका प्रिंट ऑन डिमांड है। तो इस तरह ये मल्टीपल यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रही हैट्स हैं, किसी ने अगर आपने हैट सेल करने हैं तो हैट्स कर दो, वो उसके ऊपर भी कस्टमाइज का पूरा ऑप्शन है, सब कुछ है, तो ये सिंक हुआ होगा। तो ये मजे की बात ये है कि ये सारी प्रोडक्ट्स मुझे वन बाय वन लिस्ट नहीं करनी पड़े मेरे करनी मेरे स्टोर पे, ये मुझे सिर्फ अटैच करना है और इनकी प्रोडक्ट्स वहां पे लेके चले जाना, तो बड़ा सिंपल होगा जी। मेरा बस होता फा तो मैं तो सैटरडे संडे की बात कर रही हूँ, मैं परमानेंट रखता, मेरे बस की बात नहीं है जी। मैं सिखाऊंगा जो बात मैं बता रहा हूँ ना, मैं सिखाऊंगा अभी। अब तो रूफ जी स्पेस बस दे दो बीच में एक, बाकी तो ठीक लग रहा है। ये देखिए आप, ये हैट्स हैं, तो हैट्स के ऊपर कुछ प्रिंट करवाना है, कलर्स क्या अवेलेबल हैं, प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सब कुछ आ रहा है। अब मेरी मर्जी है इसमें से मुझे क्या सेल करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ आप इस तरह से देख सकते हो। तो ये प्रिंटफुल अकेला मैंने आपको एक दिखाया है, इसके अलावा यहाँ पे देख लो प्रिंटफुल, SPOD, प्रिंटिफाई, कस्टम कैड, मतलब कितनी सारी यहाँ पे आ रही हैं सर्विसेज, तो ये सेम काम करती हैं। लोगो डिजाइन करके दे दें जी, वो भी हो सकता है। इसकी पेमेंट, हाँ जी मेरे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में आएगी, हमारे स्टोर में पेमेंट हो रही होगी ना, उससे हम लोग आगे पे कर रहे होंगे प्रिंटिफाई को या जो भी होगा। अभी कस्टम कैड है वो भी बिल्कुल सिमिलर वे से वो काम कर रही है। तो ये डिफरेंट जो है ना, ये POD फुलफिलमेंट सर्विसेज हैं, फुलफिलमेंट बीइंग के आपके बिहाफ पे ये सारे काम परफॉर्म करेंगे, और उनका फायदा है वो पैसे कमा रहे हैं, हमारा फायदा है कि हम उनकी चीज़ों से, उनकी सर्विसेज को यूज करके हम आगे चीजें बेच रहे हैं, क्योंकि कस्टम चीजें अक्सर लोग बड़ा इसको लाइक करते हैं, चलते हैं इसके साथ। ये देखो कस्टम कैट, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखिए मास्क भी इन्होंने दिखाया हुआ है, मास्क भी कस्टम हो जाते हैं, और ये इनकी वेबसाइट है, डेवलपर वेबसाइट, ये कस्टम कैट हो गया। बस यहाँ पे इसके बाद मैं सेंड करता हूँ,
फिर हम लोग अब डेवलपमेंट पे जाना है हमने, अब हमने लिस्टिंग पे जाना है, जिसमें फिर मैं आपको पहले सिंपल प्रोडक्ट लिस्टिंग, बाद में पीओडी की कनेक्ट कनेक्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें वो बताऊंगा। तो अभी हमारा टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर में आने लगा है वो स्टोर डेवलपमेंट की तरफ जाने लगे हैं लोग। तो ये देखें, प्रिंट ऑन डिमांड, कस्टम कैट, पीओडी फॉर बिजनेस, डेकोरेशन टाइप, प्रोडक्ट्स इनकी कौन कौन सी हैं अभी देख लेते हैं। हाउस वेयर्स, एक्सेसरीज, मल्टीपल चीजें दे रहे हैं। हाँ जी, ड्रॉप शिपिंग का कौन, ये है क्वालिटी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग में आंखें बंद करके बेचना शुरू कर दोगे और क्वालिटी का आपको नहीं पता, तो वहाँ इशू आ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप पहले जो प्रोडक्ट है ना, उसको एक आधा पीस उसका खुद मंगवा के चेक कर लें, उसकी क्वालिटी कैसी है। बेशक फीडबैक अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन स्टिल जस्ट टू मेक श्योर कि वो ठीक है, वो प्रोडक्ट इस काबिल है, इतनी अच्छी है कि वो लोग उसको परचेज करेंगे। अब ये देखो, ये पिलोज बिक रहे हैं 13, 14, 16 डॉलर्स, ये साइज वाइज डिफरेंस है। वॉल आर्ट सेल हो रही है, तो अपनी मर्जी के लोग डिजाइन देंगे। अब इस केस में कस्टम कैट को हम लोग लिंक कर देंगे अपने स्टोर के साथ, वेबसाइट के साथ, तो लोग यहाँ से आके ऑर्डर प्लेस करेंगे। मतलब तो कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट किया, डिज़ाइन लगाया और स्टार्ट, ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये हमारे फुलफिलमेंट पार्टनर होंगे, ये हमारे बिहाफ पे बना बना के दे रहे होंगे। कॉन्स में इनके, आपने तो बता गया ना, प्रोडक्ट को लाजमी चेक करना है, एक दो आपने मंगवा के मेक श्योर करना है कि क्वालिटी अच्छी हो। यानी शहबाज, हमको एट अ टाइम देखेंगे ना, हम कस्टम कैड यूज कर रहे हैं तो फिर कस्टम कैड के साथ ही चले जाएंगे, सारी प्रोडक्ट्स इनकी ही होंगी। जो बंदा परचेज करेगा इसके साथ सिंक हुआ होगा, इसको सीधा ऑर्डर जाएगा, पैसे पे करेंगे, वो हमारे लिए बनाएंगे, शिप करेंगे, हर चीज वो करेंगे हमारे लिए, शिपमेंट भी उन्होंने करनी है। ये मैंने कस्टम कैट ये लिखा है नीचे, वहीं ने रिव्यू देखेंगे लाजमी, लेकिन साथ साथ टू बी ऑन सेफ साइड एक प्रोडक्ट खुद मंगवा लो, चेक कर लो कैसी है वो। फ्राइडे लेक्चर टाइमिंग है जी हमारी 11:30 से लेके 12:45 तक। तो मुझे तो आप लोगों कल 11:30 बजे आ जाना है, जुमा से पहले टाइमिंग है, 11:30 से लेके 12:45 तक, 12:45 तक है टाइम। सर मोर देन वन के साथ लिंक नहीं कर सकते, या बेहतर है एट अ टाइम एक ही रखो, मेरा एक्सपीरियंस यही है। वैसे तो कर सकते हैं, अपर अकाउंट भाई, अब सब मेरी तरफ से, आज भी हो सकता है, आज मैं कोशिश करूँ वीडियो की, हो सकता है कल कोशिश कर लूँ, अब वही आना है। और फाइवर प्लीज लिख रख दो, फीडबैक आप लोगों ने देना है। फीडबैक वो सर ने, सर सत्यान ने ग्रुप के अंदर वीडियो शेयर की हुई है जिसमें बताया हुआ उनके बारे में। और दूसरी बात ये कि मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि 139 लोग बैठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं, किसी को कोई इश्यू तो नहीं आ रहा लेक्चर स्टाइल में, लेक्चर डिलीवरी में? स्लो अगर लग रहा है तो वो आपके पास सामने बाकी लोग भी हैं, उसकी वजह से है। समझ आ रही है चीज़ों की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हम पहले शॉपिफाई करेंगे, वो ज़्यादा इजी है, फिर हम वर्डप्रेस पे जाएंगे। आज का टॉपिक जी, हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग को थोड़ा डिस्कस किया था, कंपेटिटिव प्राइसेस के बारे में बात की है, प्राइसिंग कैसे रखनी है, कैसे रिसर्च करना है, और फिर उसके बाद पीओडी, प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस जो है वो क्या होती है, उसके बारे में बात की है। नेम मिसिंग है सबा, आप सत्यान साहब को बोलें, वो देख लेंगे। कस्टम कैट जैसे printify.com था ना, वैसे कस्टम कैट है, और भी बहुत सारे हैं। ये प्रिंट ऑन डिमांड फुलफिलमेंट सर्विसेज हैं। फुलफिलमेंट मींस के हमारे बिहाफ पे ये सब कुछ करके देंगे, हमने इनको अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, अपने मार्जिन उसके ऊपर, प्राइसेस थोड़ी ऊपर रखनी है। हमें ऑर्डर आएगा, हम इनको बोलेंगे, ये खुद ही बनाएंगे, खुद ही शिप करेंगे, खुद ही डिलीवर करेंगे। जिस शुमाल मैंने बताया ड्रॉप शिपिंग की सबसे बड़ी जो उसका डिसएडवांटेज है, कॉन्स है, वो ये है कि आपको क्वालिटी का नहीं पता होता। किसी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपने खुद देखी नहीं होती, आपको अच्छी लग रही है, आप फीडबैक भी देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, ठीक है फीडबैक अच्छे हैं बहुत, तो समझ आ रही है कि प्रोडक्ट अच्छी होगी। लेकिन एक प्रोडक्ट मैं कह रहा हूँ कि अपने पास मंगवा के चेक कर लो कि वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है,
अब एक दो हो तो फिर तो मतलब मंगवा लेता है, अब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो तो फिर टफ होता है मंगवाना, तो क्वालिटी जो है ना उसका कंट्रोल नहीं होता आपके पास। वो कंट्रोल करने के लिए ये कि जो भी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करो, एक बार खुद कोशिश करो उसको, खुद एक्सपीरियंस करने की, देखने की, और फिर आगे चलो। प्रोडक्ट बाय करके दिखा दूं? चले मैं आपके सामने कोई प्रॉपर ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, कल कर दूंगा, अली एक्सप्रेस से मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़ बाय करने वाली हो तो कल मैं आपके सामने वो बाय कर लूंगा, मुझे थोड़ा देखने नहीं क्या बाय करूँ। स्लो फातिमा, सब लोगों को माइंड में रख के, जिनको बिल्कुल जीरो से जिन्होंने स्टार्ट लिया उनके लिए ये स्पीड ओके है। हाँ, जिनको पहले आइडिया था, चीज़ें थे, और कुछ लोगों का वैसे ही ऑब्जॉर्व करने का जो है वो जल्दी से वो चीज़ों को समझ लेते हैं, उनके लिए हो सकता है, लेकिन बाकियों के लिए उनको साथ लेके चलना बड़ा, तो यही मतलब है, एक चैलेंज है, वो यही है कि उस बंदे को भी साथ लेके चलना जिसको कुछ नहीं आता। जी, एलएक्सप्रेस के ऊपर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी है, और पाकिस्तान में आके कस्टम में आपकी वो जीपीओ वगैरह रुक जाती हैं, फिर क्लियर करवानी पड़ सकती है आपको। लेकिन जो डिलीवरी का जो प्रॉमिस होता है ना, वो ये होता है कि आपकी कंट्री में चीज़ पहुंच जाएगी, आगे कस्टम की कोई इशू आ रहे हैं तो आपने खुद ठीक करवाने हैं, वो सेलर नहीं करवाता। एक इंटरनेट कनेक्शन पे दो फाइबर अकाउंट, जी दो डिफरेंट लैपटॉप पे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इकट्ठे नहीं बनाना, एक ही टाइम पे दोनों साइन अप नहीं करना, कोई मसला नहीं है। अगर एक लैपटॉप में भी कभी जरूरत करनी यूज़ करनी पड़ जाए, अवॉइड करो वैसे तो दो डिफरेंट ब्राउजर्स के अंदर। जी, कस्टम कैड को स्टोर से लिंक करेंगे या प्रिंटिफाई को करेंगे, किसी भी इस तरह की सर्विस को। हाँ जी, प्रॉफिट अमाउंट रखेंगे, अपना मार्जिन रखेंगे। शबाब, मैं ना थोड़ा सा खुद नहीं आ रहा ज़्यादा इस साइड पे, लिटरली मेरा अब कल भी माइंड है कि मैं फ्रीलांसिंग पे दोबारा आऊँ, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग जो है ना उनका इंटरेस्ट ई कॉमर्स में बहुत। बस Recording in progress. इससे ज्यादा कुछ नहीं है, वेबसाइट बनाने के लिए ड्रॉप शिपिंग मॉडल है कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे, कैसे बेचेंगे, जैसे वेंडर मॉडल था जिस तरह मैंने कस्टम वाला प्रिंटिंग वाला पीओडी बताया अभी, तो ये एक मॉडल है, ये एक प्रोसेस है ड्रॉप शिपिंग, जिससे हम लोग अपना स्टोर चला सकते हैं। शॉपिफाई सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर वेबसाइट बनती है। वर्डप्रेस जस्ट एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर वेबसाइट बनती है, ठीक है। फाइवर पे अकाउंट काफ़ी देर से पहले के बना, अच्छा जिन्होंने जाना है वो जा सकते हो, आगे मैं कुछ नहीं करवाऊंगा। कल 11:30 बजे आ जाना, कल टाइम कम है, 11:30 से लेके 12:45 तक है, तो कल टाइम पे आ जाना, कुछ ना कुछ कर लें हम लोग। मैं जी, आप लोग फाइवर के अकाउंट रख ही नहीं रहे हो उसने, वरना मैं तो आपसे डिस्कस करूँ, मैं तो उस तक कल भी ओपन कर लूँ कुछ चीज़ें, उसके ऊपर हम बात करें। वेट कर रहा हूँ, 40-50 के करीब सिर्फ अभी अकाउंट्स आए हैं। जी शफक, आपका वही आंसर, तो मैं कोशिश करूंगा जी, आज का लेक्चर ओवर, कोई आगे कुछ नई नहीं होगी, जाना चाहता चला जाए, जिसके क्वेश्चन है वो यहीं पर। सर मैंने भी फाइबर अकाउंट काफ़ी देर पहले बनाया हुआ है, ऑर्डर नहीं मिल रहे, मैंने अपडेट की है प्रोफाइल आपकी वीडियो देख के, चले उसके बाद देखें क्या इफेक्ट आ रहा है, और बाकी मैं डिस्कशन भी करूंगा इसके ऊपर, मस्ट करूंगा इंशाल्लाह। स्टोर पे शॉप नहीं, लोगों में अपना चेंज कर लेंगे ना, अपन लगा देंगे। हाँ जी, आज काफ़ी है, थोड़ा थोड़ा जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ओके, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चन भी रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग, शहजेब आपने पूछा मुझसे मैसेज में, वहाँ पूछ लो, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग पता नहीं हम यहाँ पे टच करेंगे कि नहीं करेंगे स्पोर्ट्स ट्रैक में, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जो बाकी लोग सुन रहे हैं यहाँ पे उनके लिए एक वो होगा कि शायद उन्होंने कुछ चीज़ मिस कर दी है, उनको इसका पता नहीं लग रहा। वर्डप्रेस एक अलग से कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वेबसाइट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई एक अलग से है। जी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन सना चेंज कर सकते हैं। असाइनमेंट मैंने कहा था कि जिस किसी भी नीश को फाइंड करो, किसी भी कैटेगरी को, उसके रिलेटेड 10 प्रोडक्ट्स
निकाल के एक्सेल शीट बनाओ और मुझे सेंड करनी है। फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल कर लेना वहाँ पे, जो सत्यान साहब ने बोला हुआ है आज लाजमी कर लो फीडबैक फॉर्म। किसी ने कल वाला लेक्चर नोट किया है, प्लीज अपलोड कर दें जी। प्लीज डेली बेसिस के ऊपर जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है डेली बेसिस पे अपने लेक्चर अपलोड कर दिया करें। अफीफा यस में, अफीफा ऐसे अटेंडेंस मार्क नहीं होनी, आपको अपने नाम के साथ 7 डिजिट्स का जो आपका आईडी कार्ड है वो लिखना पड़ेगा। अभी आपने अभी भी 6 डिजिट सेंड किया हुआ, लेकिन ये कि नाम के साथ होगा तो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। जी शिवाब, ये भी मैंने कम्युनिकेशन प्रपोजल राइटिंग ये दोनों मेरे आगे नेक्स्ट हैं। अब हो सकता है मैं आज या कल आपको अपवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएशन का कर दूं शेयर, उसके साथ ही मैं एक दिन के गैप के साथ प्रपोजल राइटिंग शेयर कर दूंगा। नहीं मैंने गूगल से सर्च किया ना शान, क्योंकि आपको पता तो नहीं ना कौन सी है ये कस्टम्स, ये जो सी ये प्रिंट ऑन डिमांड वाली है, तो मैंने वो सर्च करके बताया है ताकि आपको नाम लिखता रहूंगा तो आपने याद थोड़ी रखना है, तो मैं आपको इजी रखने के लिए कि गूगल में सर्च कर लो निकल आती हैं। अच्छा जी, जब मैं वेबसाइट करवाऊंगा ना सलान, तो फिर ब्लॉगिंग वगैरह सब कुछ, ब्लॉग बनानी हो, ई कॉमर्स स्टोर बनाना हो, सब कुछ हो जाएगा। अफीफा यहाँ पे लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने नाम के साथ लिखना है, जैसे बाकी लोगों का नजर आ रहा है ना उस तरह से लिखना है आपको। तो आप अपना नेम रीनेम करें, और सत्यान साहब ने इसकी भी वीडियो शेयर की हुई है कि ना कैसे करते हैं, और ये लेक्चर आप तो पहले ले नहीं रहे थे तो आपकी तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, इश्यू हो जाएगा बहुत। मोहम्मद हारून, आपका भी नाम के साथ आईडी कार्ड के डिजिट्स नहीं आ रहे थे यार, ये लाजमी लिखा करें, फजूल में आप लोग आ भी रहे हो और अटेंडेंस आपकी शॉर्ट हो जाएगी। मतलब तो फजूल में आनी आ रहे हो, आ रहे हो लेकिन फजूल में अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। फाइवर की कैटेगरी चेंज हो सकती है, गिग कैटेगरी हो सकती है। अगर हम शॉपिफाई भी अपनी साइट पे जैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं वैसे ही ईबे या अमेजोन पर कर, जी जी बहुत सिमिलर है। तो दुआ करें कि टाइम बचे और हम लोग उस साइट पे भी जाएं, मैं करवा दूंगा। फीडबैक फॉर्म जहाँ पे अप्लाई नहीं किया था आप लोगों ने, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसी पोर्टल पे जाना है, वहीं पे होना है। और सत्यान साहब ने आज या कल रात को वीडियो आज ही मेरे में शेयर की है, उस वीडियो को देख लें, उसके अंदर पूरा फिल करना बताया हुआ है। 1 out of 1 to 9 तक रेटिंग है, ट्रेनर को, लैब मैनेजर को आपने रेट करना है जी कैसा जा रहा है सब कुछ। तो वो बिल्कुल एनोनिमस है, मुझे नहीं पता मुझे क्या फीडबैक दे रहे हो, लैब मैनेजर को क्या दे रहे हो, वो डायरेक्ट टॉप मैनेजमेंट के पास जाता है। नहीं यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। अच्छा जी आयशा, मैं कर देता हूँ आपको अनम्यूट कर देता हूँ, जरा हैंड रेज करें। जी अमेजोन भी कर सकते हैं लेकिन मसला ये है कि पेपॉल चाहिए, सब ध्यान सब कितने पॉइंट देने चाहिए, देख लें जी वो आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहे। गुड हो गया, जी आयशा मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने आपसे पूछना था कि पावर पॉइंट की मैं गिग बना रही हूँ जिसपे ना रिवीजन्स आ रहा है, तो वो रिवीजन्स का क्या है, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा। रिवीजन्स का मतलब ये है कि आपने एक बार काम करके डिलीवर किया, क्लाइंट को अच्छा नहीं लगा, उसने आपसे रिवीजन रिक्वेस्ट कर दी, वो ऑर्डर को रिजेक्ट कर देता है, वो कहता है कि इसको दोबारा रिवाइज करके मुझे दें, जो जो उसके इश्यूज होते हैं वो आपको बता देता है, आप फिर उसको डिलीवरी करते हो, वो फिर रिवाइज रिवीजन रिक्वेस्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता उस ऑर्डर को, और कुछ पॉइंट्स बता देता है कि ये ठीक करके दो। तो रिवीजन का मतलब ये है कि वो कितनी टाइम आपको रिवीजन रिक्वेस्ट कर सकता है सेम अमाउंट के अंदर। तो वो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अनलिमिटेड ही रखें, काम अच्छा किया होगा तो एक रिवीजन भी नहीं आएगी, लेकिन क्लाइंट जो है ना वो जरा कंफर्टेबल फील करता है जब अनलिमिटेड। ओके, और सर जो सोर्स फाइल है ये इसका भी बता सकते हैं? सोर्स फाइल
सोर्स फाइल जी वो ओके कहते ना, हैं कि ये सो आप देखें जी वो जो होता है ना पावर पॉइंट, आप जो बनाओगे वो पीडीएफ में कन्वर्ट भी हो जाती है, जी तो वो अक्सर लोग पीडीएफ दे देते हैं स्लाइड्स की। जो जी सोर्स फाइल है ना, लाइक पीपीटी एक्स होती है अगर पावर पॉइंट पे बनी हुई है, तो वो सोर्स फाइल नहीं देते। कल को उसको एडिटिंग करनी हो तो सोर्स फाइल उसके पास नहीं है। तो लोग क्या करते अच्छा हैं कि लोग अपने अमाउंट को मल्टीप्लाई करने के लिए ना, लाइक वो कहते हैं जी $10 के अंदर मैंने आपको असाइनमेंट देनी है। जी आप सोर्स फाइल भी लेना चाहते हो तो उसके मैं जी एक्स्ट्रा $5 या $10 लूंगा। तो ओके वो सिर्फ वो होता है ओके कि आपको एडिटेबल फाइल मिल जाएगी और आपको पैसे मिल जाएंगे। ओके और सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें अगर हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं जैसे कि यूएसए में कर रहे हैं, तो वहां पे अब कस्टमर के पास पेपॉल अकाउंट है और हमारे पास तो नहीं है, तो जी सर और वो जो है वो कैश पेपॉल पे ही करता है सिर्फ, उसके पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? ऐसा भी है कि हमने बाय किसी से कांटेक्ट है और उसका हम पेपॉल अकाउंट चूज कर रहे हैं, लेकिन कभी वो नहीं भी होता तो फिर उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन होगा? डॉलर पे कर दिए तो अब फेसबुक का ट्रस्ट आपके साथ बिल्ड होता जा रहा है। फेसबुक कहता है अच्छा अब आप ऐसे अब हम ऐसे करेंगे कि आप अपने अकाउंट में $50 जब स्पेंड कर लोगे ना, तब हम आपकी अमाउंट आपको अमाउंट चार्ज करेंगे आपके कार्ड में। तो क्या होगा कि जब आप $50 स्पेंड करोगे तब वो चार्ज करेंगे। ऐसे अगर आपकी अमाउंट वो एक लिमिट के बाद चेंज चार्ज करते गए, तो ऐसे ऐसा स्लोली स्लोली वो लिमिट को एक्सीड करते करते $500 पे ले जाएगा। अब जी $500 का मतलब है कि $500 फेसबुक कहता है पहले लगा लो, और जैसे ही $500 का जो एक थ्रेश होल्ड है, एक लिमिट है, वो आप मीट करोगे, इतने पैसे आपके लग जाएंगे, तो हम आपके कार्ड से $500 चार्ज करेंगे। ठीक हो गया। जी तो सर इस तरह से फेसबुक चलता है और लिमिट आपकी एक्सीड करता रहता है। ये इस चीज के जी बारे में मैंने आपको बताया था। तो पहले चार्ज नहीं कर रहा, बाद में कर रहा है। तो उससे फायदा ये होता है कि हम लोग अगर कोई एड ला रहे हैं और कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास सेल्स हो रही है, अमाउंट आ रही है, हम उसमें से सेलर को पे कर रहे हैं, बाकी अपने पास रखा हुआ है। तो जब फेसबुक का $500 स्पेंड होगा या मंथ एंड होगा, अगर मंथ एंड तक 500 स्पेंड नहीं होता तो भी वो चार्ज करेगा जितने भी स्पेंड किए गए आपने, तो तब वो फेसबुक आपको चार्ज करेगा जब आपने स्पेंडिंग कर ली होगी। तो फायदा ये होता है कि हमें स्टार्टिंग में नहीं देने पड़ते, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाती है और हमने अर्निंग करके उसी अर्निंग में से हम फेसबुक को दे रहे होते हैं। जी सर ये कॉन्सेप्ट था। जी थैंक यू सर। और बाकी जो आपने असाइन किया एक होम टास्क, वो भी काइंडली दोबारा बता दें कि हमने जो 10 प्रोडक्ट्स का किस तरह से देखिए जो मैंने आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्लासेस साइकिलिंग के लिए ग्लासेस ओपन की थी। तो ये एक एक कैटेगरी है, ये एक नीश है। वैसे तो ग्लासेस मेन कैटेगरी बनती है, लेकिन उसके अंदर भी एक साइकिलिंग वाली सिर्फ ग्लासेस हैं, तो इसको हम माइक्रो नीश बोलते हैं। ये एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसके बारे में बात हो रही। तो मैंने अभी उसकी जी ग्लासेस निकाली। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आप उसकी आप समझें ग्लासेस सेल करनी है, तो आप उसके ऊपर टाइम लगाएं, प्रोडक्ट रिसर्च करें, हंटिंग करें, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमने किया, डिफरेंट जगहों पे किया, और आप कोई 10 प्रोडक्ट्स फाइंड करके लाएं जो आपको लगता है कि हमें ये सेल करनी चाहिए, और वो क्यों जी करनी चाहिए उसकी उसकी स्टैटिस्टिक्स आपने एक्सेल शीट में नोट करनी है। कहाँ पे उसने आपने उसका कोई ऐड देखा है, कहाँ देखा है, उसका लिंक क्या ऐड था, उसका लिंक वहाँ पे क्या स्टैटिस्टिक्स थी, उसका लिंक जिस तरह आपको लगता है ना कि एक क्लाइंट को जब मैं प्रेजेंट करूँ वाली रिपोर्ट, तो क्लाइंट को देख के आइडिया हो कि वाकई जो इसने ये सिलेक्शन की है ये किसी बेस पे की हुई है। जी तो सर वो ठीक एक एक सर बनाना है ताकि प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। जी सर ओके थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा शेब किधर गए? शेब ने हैंड रेज नहीं किया। आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, शेब ने बोला है। अच्छा अब मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आजकल मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। डिस्प्ले पिक्चर जी अपनी लगाएं तो बेहतर है, स्किल बेस्ड भी हो सकती है, लेकिन जो बाकी प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पे अपनी ही लगेगी, वहाँ पे कोई चांस नहीं है कि आप कोई स्किल बेस्ड पर लगा लो। लाइक अपवर्क क्या तो अपनी लगेगी, इवन के अपवर्क ऑन कॉल वेरिफिकेशन भी करता है। तो क्लाइंट को हमने प्रोडक्ट हंट करके दे दें और अच्छा शुएब शुएब आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई आपकी डिवाइस वगैरह कनेक्टेड है माइक वाली? अब आ गए, मैंने रिक्वेस्ट की आप कनेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ ई कॉमर्स के हवाले से।
मुझे जी जो समझ आ रही है कि हमने साइट से ही प्रोडक्ट चूज करनी है, और होलसेलर के तौर पे वहीं से प्रोडक्ट उठानी है, वहीं पे स्टोर बना के वहीं सेल करनी है उसी साइट पे। नहीं, अभी हम लोगों ने जिन साइट से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हमने हंटिंग की, फिर सोर्सिंग की, एलएक्सप्रेस, ईबे, इट्सी, सब बता रहा था ना, प्रोडक्ट सोर्सिंग हम इसी तरह किसी साइट से करेंगे, और जो सेल करनी है हमने अपनी वेबसाइट बना के उस पर लिस्ट करनी है चीजें, और फिर उसकी मार्केटिंग करनी है एड्स के थ्रू, और उसे सेलिंग करनी है। नहीं अच्छा, वो सर कमीशन मिलेगा हमें प्रोडक्ट का, फिर के नहीं अपने नहीं, नहीं। प्राइस आप करेंगे। हम प्राइस मार्जिन अप करके प्राइस पोस्ट करेंगे, बेचेंगे, हमें पैसे पहले आएंगे, हमारा जो मार्जिन होगा हम अपने पास रखेंगे, बाकी पैसे हम लोग ये एलएक्सप्रेस, इट्सी, ईबे, जहां से भी हमने सोर्सिंग की होगी, इनको पे कर देंगे और एड्रेस में कस्टमर का एड्रेस दे देंगे। अगर सर वो क्लाइंट अगर हमारी साइड पे आता है, मतलब वर्ल्ड प्रेस पे एक साइड बना लिया, जी मतलब एक लैपटॉप, तो जी उसका लिंक हम अली एक्सप्रेस कम दे देते हैं लिंक उस, या नहीं 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 उसका हम अलीएक्सप्रेस का लिंक नहीं देंगे, हम वो प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर अलग से लिस्ट करेंगे, उसको नहीं पता होगा ये अलीएक्सप्रेस पे मिलती है, उसको बस पता है कि मैं बेच रहा हूँ, उसको मेरा स्टोर सेल कर रहा है, सही है तो वो सर। मुझे ऑर्डर देगा, मैं आगे अलीएक्सप्रेस के साथ डील करूंगा या जैसे भी करना है मुझे, वो उसको नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगा कि ये अलीएक्सप्रेस पे पड़ी है या कहीं पड़ी हुई है, ये नहीं होगा। अच्छा, वो अली एक्सप्रेस को हम जो एड्रेस देंगे वो उस क्लाइंट का देंगे फिर हाँ जी, सिर्फ ऑर्डर के, प्लेस करते हुए एड्रेस क्लाइंट का देंगे, ठीक बस। हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सर, ये मैं कंफ्यूज था थोड़ा वेलकम। सा। अच्छा, वीकेंड पे लेक्चर हसन मेरे इख्तियार में नहीं है यार, यकीन मान लो, क्लाइंट को हमने प्रोडक्ट हंट करके दे दी, अगर क्लाइंट को बाद में रिजल्ट्स ही नहीं मिलते वैसे, और एक्सपेक्ट नहीं करता, देन ही विल कम बैक टू अस। ये हमें उसने क्राइटेरिया बताया, हमने उस क्राइटेरिया में, ये उसने क्राइटेरिया बताया या उसने वैसे बोला है, हमने क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करेंगे उसको, उसके अकॉर्डिंगली पूरा काम करके दे देंगे, उसको पसंद आएगा फिर ही वो ओके करेगा, फिर आगे चलेगा। अब वो आगे सेल नहीं हो रही, नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही, इसमें कई फैक्टर्स हैं। अब उसने पता नहीं क्या प्राइसिंग रखी है, अब पता नहीं वो मार्केटिंग किस एरिया में कर रहा है, पता नहीं राइट ऑडियंस तक जा भी रहा है या नहीं जा रहा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हमें ब्लेम नहीं कर सकता। सर, प्रोडक्ट हंटिंग की सैम्पल फाइल काइंडली शेयर कर। सी, मैंने ओपन इसलिए रखा है आप लोगों को कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट फाइल नहीं रखी है हमने, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट स्टैट्स हैं, आपको जो बेहतर लगता है। मैंने आपको बोला है कि सिंपल एग्जांपल है, मैं क्लाइंट हूँ आपको, मैंने बोला है और आप मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करके दे रहे हो, जब मैं उसको देखूँ तो मुझे समझ आ जाए कि आपने काम अच्छा किया है, आपने किसी बेस पे किया है, आपने ठीक काम किया है, ये ना हो कि मुझे, मैं कहूँ ये क्या, मुझे बस लिस्ट एक लिंक उठा के दे रही है, मुझे क्या पता किस क्राइटेरिया में आपने किए हैं, किस बेस पे किए हैं। तो आपने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है जो आप क्लाइंट को कम्युनिकेट कर सको कि ये क्या चीज़ है, मैंने किस बेस पे किया है, और आपकी जो रिपोर्टिंग्स होंगी उसमें जो कुछ अच्छी रिपोर्ट्स होंगी मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा आइडिया के लिए। ओके जी, और तो कोई नहीं है जिसने आना है कॉल पे या मैं बात पे, मैसेज पे रह गया हो किसी का? अच्छा, जैनब है, अनम्यूट किया मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर इतना अच्छा सिखाने के लिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज तक बिल्कुल भी पता ही नहीं था, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम लेट्स सपोज हम यूएस मार्केट में अगर सर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो हम उसके लिए एड्स देखते हैं और वो एड्स रनिंग है, मतलब उसके लिए लाइक्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, वो और हम उसी प्रोडक्ट को देख के सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारे लिए फिजिबल है। अगर हम उसके लिए, अब हम फिर उसी प्रोडक्ट को हम अपनी लिस्टिंग में भी लेके आते हैं और उसके लिए हम अपने स्टोर के ऊपर भी उसको रख देते हैं, वो हमें प्रॉफिट भी दे रही है, तो हम उसी मार्केट में अगर अपना एड रन करेंगे तो वो कंपैरिजन ना क्रिएट हो जाएगा वैसे ही प्रोडक्ट का दूसरी पहली एड्स के साथ, तो वो क्या उसके ऊपर वो हमें सेल्स दे सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसी मार्केट में वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। और जैसे हम दो ब्रांड्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम कपड़ों की बात करें तो गुलामर्द है, वो सबसे पुराना है, बहुत से लोग आज भी सबसे ज्यादा उस पे ट्रस्ट करते हैं, तो एक न्यू चीज अभी मार्केट में आई है, उसका ट्रस्ट उतना नहीं डेवलप हो सका, तो क्या हम फिर उसके ऊपर सेल्स लेने के काबिल होंगे? अब देखिए, इसमें एक बात तो ये है ना कि मैंने आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के अंदर एक क्राइटेरिया बताया था, प्रोडक्ट शुड बी यूनिक, क्वालिटी प्रोडक्ट हो जी और क्वालिटी वो प्रोडक्ट हो जो बहुत सैचुरेटेड ना हो। तो अब ये कि जब वो प्रोडक्ट सेल करोगे और मार्केटिंग पे आप जाओगे, तो जब आप फेसबुक को टारगेट ऑडियंस दोगे ना, तो एग्जैक्टली सेम ऑडियंस में ओवरलैप आ जाए,
वो एक कॉइंसिडेंस हो सकता है, बाई चांस शायद ऐसा हो जाए। तो एक तो जब हमें प्रोडक्ट का एड मिलता है ना, उसकी प्राइसिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, और उसकी प्राइसिंग अगर थोड़ी ज्यादा है, हम कुछ प्राइसिंग कम करके उस एरिया में जाएंगे। दूसरा, हम लोग जो एड चला रहे हैं ना, हमारी टारगेटेड ऑडियंस होती है। जब फेसबुक पे एड चलाते हो, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक कहता है कि अगर आप इस जगह पे एड चला रहे हो, तो हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन की ऑडियंस है, 5 लाख, मतलब हाफ मिलियन ऑडियंस हमारे पास, 5 लाख के करीब लोग हैं जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं और जो आपके टारगेट एरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो अब वो 5 लाख एक दिन में कवर नहीं होंगे। हमने एक बजट रखा है $5, $10, हमारे कंपेटिटर ने भी 5, 10, 15, 20 डॉलर बजट रखा हुआ है। तो वो स्लोली स्लोली थोड़े थोड़े लोगों को करके वो जा रहा है, उसका एड जा रहा है। तो हमारा एड भी जब जाएगा, तो हो सकता है कि जो उसका उसकी जो ऑडियंस है और मेरी ऑडियंस है, वो डिफरेंट हो, वो सेम ना हो। और हो सकता है कि जो सेम हो, तो वो एक ही एड की जब डबल प्राइस देखेंगे, हमारी प्राइस थोड़ी कम होगी, दूसरे की थोड़ी ज्यादा होगी, तो शायद वो हमें प्रेफर करें। और फिर एट अ टाइम भी एड शो नहीं हो रहा होगा, कभी मेरा हो रहा होगा, कभी उसका हो रहा होगा, क्योंकि कई लोग ऐड चला रहे हैं, फीड मेरी फीड में मेरे इंटरेस्ट की बेस पे शो हो रहा होगा, किसी और की फीड में उसकी इंटरेस्ट की बेस पे शो हो रहा है। और एट अ टाइम इकट्ठे भी शो होना बहुत ही रेयर है कि इकट्ठे दो ऐड सिमिलर एक ही चीज़ पे शो हो जाए। तो हमें तो सिर्फ एक ग्रुप चाहिए, और हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की हो, उसकी पिक्चर्स या उसकी जो डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग, वो इस लेवल की होनी चाहिए कि जब वो पर्सन उसको देखे तो उसको अपील करे कि चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ है ये वाली, ताकि अगर मैं पहले पहुंच गया तो मुझसे वो बाय कर ले। तो ये हमें एक ग्रुप चाहिए, सिर्फ छोटा सा टारगेट ग्रुप चाहिए जो हमारी चीजों को परचेज कर ले, हमारा काम ओके हो गया। कंपटीशन है नहीं है, कितने लोग हैं कितने नहीं है, कोई कोई इशू नहीं है। तो हम उस मार्केट में भी लॉन्च करेंगे, प्लस हम उस मार्केट से थोड़ा सा हटके किसी और मार्केट के अंदर भी उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके देख सकते हैं। क्योंकि वो अगर एक मार्केट में चल रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि उसी कंट्री की किसी दूसरी मार्केट में भी परफॉर्म कर ले। तो फिर हम दो एड सेट्स की तरफ जा सकते हैं, एक एड हम उसी मार्केट में चला लें, एक एड किसी और जगह पे चला लें, इन केस के अगर उस मार्केट के अंदर बहुत ही देर हो गई है उस पर्सन को, और वो एक प्रोडक्ट सेचुरेटेड हो चुकी हुई है, इतनी ज्यादा उसने सेल की है और हर बंदा देख चुका हुआ है, तो शायद वहां पे रिस्पॉन्स ना आए, तो हम उसके उसको रेप्लीकेट करके किसी और स्टेट में ले जाएंगे। लाइक वो हमें कैलिफोर्निया में सेल कर रहा था, हम उसको न्यूयॉर्क में बेचना शुरू कर देंगे। तो फिर थोड़ी सी इस तरह की टेस्टिंग भी हमारी होगी साथ, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर एक मार्केट में चल रही है तो वहां पे हमारी सेल ना हो। वी हैव टू टेस्ट, ठीक है? जी वेलकम। अच्छा, फ्रीलांसिंग, जी, मैं मेन काम ही सीधा मेरा फ्रीलांसिंग ही है मेन काम। चलें जी, मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं, 2 मिनट रह गए हैं। सो कल 11:30 पे आ जाना, 12:45 तक हमारा लेक्चर है, तब तक के लिए जी अपना ख्याल रखें, और फाइवर की लिंक्स प्लीज ऐड कर दें सब लोग। जी मेरी कंपनी भी है। चलें, ओके जी, इंशाल्लाह ताला कल होती है बात। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।